हेलो कोडिंग एलियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अ की। हाउ आर यू डूइंग गाइज? तो स्टैक ओवरफ्लो क्लोन का ये वेरी फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे हम यहाँ पे फ्रंट एंड को बिल्ड कर रहे होंगे। अगर आपने प्रोजेक्ट डेमो को अभी तक नहीं देखा है, जो कुछ भी हम यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं, तो हमारे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें जो कि ऑलरेडी चैनल के पेज पर डला हुआ है प्रोजेक्ट डेमो के नेम से। तो वहाँ पर आपको स्टैक ओवरफ्लो फ्लो क्लोन में जो जो फीचर्स और जो जो फंक्शनैलिटी हम इधर बिल्ड करने वाले हैं, वो आपको ओवरव्यू वहाँ से मिल जाएगा। तो स्टैक ओवर फ्लो क्लोन को बिल्ड करने से पहले मैं एक बार वापस से समअप कर देता हूँ कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे इसको बिल्ड करने के लिए। तो इस स्टैक ओवर फ्लो क्लोन को बनाने के लिए हम यहाँ पर रिएक्ट का यूज कर रहे हैं फ्रंट एंड के लिए, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बैक एंड के लिए नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस सर्वर सर्वर के लिए, और मोंगो डीबी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं डेटाबेस के लिए। उसके अलावा हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स देख रहे होंगे यूजर ऑथेंटिकेशन का थ्रू फायरबेस के, तो फायरबेस और जो वर्जन 9 है फायरबेस का, वो भी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। उसके बाद हम यहाँ पे यूजर स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम रिडक्स का यूज कर रहे होंगे, तो रिडक्स, फायरबेस, रिएक्ट, नोड, एक्सप्रेस, मोंगो, ये सारी चीज़ें जो कि सम अप अगर हम करें तो ये सारे टूल्स और टेक्नोलॉजी पे हम इसको पूरे फुल स्टैक प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे होंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये पूरा स्टैक ओवर फ्लो क्लोन का सीरीज आने वाला है और हम कोशिश करेंगे कि इसको नेक्स्ट वीक, सपोज आई थिंक 15 और 16 जनवरी तक हम इसको कंप्लीट कर सकें। आई होप अगर इफ़ ये कंप्लीट होता है तो उसके भी आगे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं और बहुत से ऐसे ट्यूटोरियल्स हैं जो कि रिएक्ट से रिलेटेड है, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो मैं अभी तो सारा कुछ रिवील नहीं करूँगा, हाँ, बट बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं जो कि हम यहाँ पे आगे बिल्ड कर रहे होंगे, और ये वीडियोस आपको बिल्कुल हमारे चैनल पे मिल रहा होगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपसे कोई भी वीडियोज़ मिस हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। तो ये हमारा वीएस कोड है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक बॉयलर प्लेट रिएक्ट रिएक्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लिया है। अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर है और आपको अभी नहीं पता कि हम इसमें कैसे रिएक्ट के बॉयलर प्लेट एप्लीकेशन को स्टार्ट किया जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपके लोकल सिस्टम पे नोड होना चाहिए, और नोड है या नहीं है, कौन सा वर्जन है, तो उसको जानने के लिए हम यहाँ पे नोड माइनस वी से हम इसके वर्जन को पता कर सकते हैं। तो हमने नोड हमें अपने लोकल पे नोड इंस्टॉल्ड होना चाहिए, और उसके साथ में हमारा एनपीएम जो कि पैकेज मैनेजर होना इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है और ये दोनों प्री रिक्विजाइट्स है। तो नोड और एनपीएम ये दोनों होना चाहिए, और उसी तरह से एनपीएम के भी वर्जन को हम अगर हमें फाइंड करना है तो हम इस तरह से हम एनपीएम के वर्जन को भी हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है और वो है एनपीएक्स का। तो एनपीएक्स क्या होता है? एक बेसिकली नोड पैकेज रन टाइम मैनेजर होता है जो कि हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो ये हम यहाँ पे इस एनपीएक्स की बात कर रहे हैं। तो ये एनपीएक्स को भी आपको एनपीएम के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा, एनपीएम इंस्टॉल एनपीएक्स। तो इस तरह से हम यहाँ पे एनपीएक्स को भी इंस्टॉल कर रहे होंगे। ये तीन प्री रिक्विजाइट्स करने के बाद हमें अगर बॉयलर प्लेट रिएक्ट एप्लीकेशन को स्कैफोल्ड जो क्रिएट रिएक्ट ऐप जो हमें बनाना होगा, वो हम इसमें हम इस कमांड से हम इसको बिल्ड कर सकते हैं, जो कि ये है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। और यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट का नेम, जो भी फोल्डर का नेम आप यहाँ पे दोगे, उसके अंदर ही ये सारी चीज़ें हमें सेटअप करके मिलेगी। साथ में हमने यहाँ पे रिडक्स को यूज करना है, तो हमने यहाँ पे टेम्पलेट बेसिकली एक और टेम्पलेट ही हम रिडक्स का हमने यहाँ पे पिक कर लिया है, और ये इस तरह से हम यहाँ पे रिडक्स के लिए ये चीज़ें भी कर रहे होंगे। जिससे क्या होगा कि हमारे पास इस तरह का एक फोल्डर डायरेक्टरी, मैं एक बार दिखाता हूँ, ये इस तरह के हमारे पास फोल्डर डायरेक्टरी देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो फोल्डर डायरेक्टरी है इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैं थोड़ा जूम करूँ तो यहाँ पर हमें पब्लिक फोल्डर, पब्लिक के अंदर हमें ये सारे फेविकॉन और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही होंगी, मैनिफेस्ट डॉट जीसॉन। इसके अलावा हमारे पास जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा सोर्स फोल्डर। सोर्स फोल्डर के अंदर हमारे पास इस तरह से ये फोल्डर डायरेक्टरी आपको देखने को मिल रही होगी। हमारे पास फीचर्स है और यहाँ पे हमारे पास ऐप है। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे हमें यूज़र ऑथेंटिकेशन और यूज़र मैनेजमेंट करना है, यूज़र स्टेट मैनेजमेंट करना है, तो हम इसको कैसे आगे हम
चीज़ों को बिल्ड कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी ऑलरेडी आपने अगर इस यहाँ तक हमने आपने कर लिया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे इनिशियल फेज पे जो भी डिपेंडेंसीज हमें रिक्वायरमेंट होगी फ्रंट एंड को बिल्ड करने के लिए, वो सारे के सारे डिपेंडेंसीज को हम एक बार इंस्टॉल करेंगे। तो ये सारी डिपेंडेंसीज हमारी बेसिकली हेल्प करेंगे हमें आगे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए और बिल्ड करने के लिए। तो आप एक एक डिपेंडेंसीज को ध्यान से देखें और मेक श्योर कि ये सारी की सारी डिपेंडेंसीज आप इसको इंस्टॉल कर सको। तो हम क्या करते हैं, इन डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के लिए मैं एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और हम यहाँ पे फ्रेश तरीके से वो सारे के सारे डिपेंडेंसीज, एक एक डिपेंडेंसीज को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे एक ही डिपेंडेंसीज को npm के थ्रू इंस्टॉल कर रहे होंगे। तो पहला जो डिपेंडेंसी है वो है हमारा @mui_material। हम यहाँ पे सारे आइकॉन्स और UI के लिए हमने यहाँ पे मटेरियल UI को प्रेफर किया है, तो हम यहाँ पे उसी डिपेंडेंसीज को हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे होंगे। नेक्स्ट जो हमारे डिपेंडेंसीज होगा वो होगा हमारा React Quill। React Quill एक बहुत ही रिच टेक्स्ट एडिटर है जो कि हमें हमारे आंसर्स को फॉर्मेट करने के लिए और उसमें कोड जो भी हम वहाँ पर लिखेंगे उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास React Router DOM होगा हमें डिफरेंट वेब पेजेस पे स्विच करने के लिए, तो React Router DOM का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे जो कि वर्जन आई थिंक मे बी 5.2 होगा। एंड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे React टैग इनपुट कंपोनेंट का, तो यहाँ पे हमें टैग्स भी ऐड करने पड़ेंगे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए, तो वो टैग्स के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे React टैग इनपुट कंपोनेंट। ये है हमारा React टैग इनपुट कंपोनेंट। नेक्स्ट जो हमारा है जो इंस्टॉल करना है वो है हमारा React HTML पार्सर। सपोज हमारे पास अगर HTML में सब क्विल में जो कुछ भी हम ऐड करेंगे तो वो जाकर के डेटाबेस पे एज अ HTML कोड वहाँ पे स्टोर होगा, बट हमें उसे पार्स करना होगा, तो हम इससे ये पार्सर का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं HTML को पार्स करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे फायरबेस का ऑथेंटिकेशन के लिए यूज कर रहे होंगे, तो हम यहाँ पे फायरबेस की डिपेंडेंसी यानी फायरबेस वर्जन 9.2 ये हम यहाँ पे 9.6 आई थिंक ये फायरबेस के वर्जन को हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे होंगे। अभी जो कुछ भी इंस्टॉल्ड होगी वो सारी लेटेस्ट ही इंस्टॉल्ड होगी, तो हम इसको एक बार इंस्टॉल करते हैं। जब तक कि ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम अब एक बार हम लोगों ने अभी तक जो कुछ भी बिल्ड करना है उसको हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो हमें क्या है कि सबसे पहले हमने इसको हमने डिप्लॉय किया है हेरोकु पे। तो अगर आप इस URL को मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस URL पे डायरेक्ट जाइए और इन सभी चीज़ों को आप अपने एंड से भी इसको एक बार इन सभी फ्लो को और इन सभी चीज़ों को एक बार देखिए। मैं ये जो लिंक है मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो हमने यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेशन रखा है, गूगल ऑथेंटिकेशन से हम यहाँ पे यूजर को ऑथेंटिकेट कर रहे होंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे उसको यूजर को ऑथेंटिकेट करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया पॉपअप सा आपको दिखने को मिल रहा होगा, ये सारा कुछ फायरबेस के ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसमें साइन इन कर लिया है हमने यहाँ से। तो हमने जैसे हमने साइन इन किया हमने सारे क्वेश्चंस अभी तक जो 9 क्वेश्चंस एडेड है ये 9 के 9 क्वेश्चंस हमारे को देखने को मिल रहे हैं। जो टैग इनपुट है ना React टैग इनपुट हमने बेसिकली इसके लिए यूज किया है, इस React टैग इनपुट के लिए, क्योंकि हमने टैग्स भी ऐड करवाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ऐड करते हैं यहाँ पे। तो जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन को ऐड करना है वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ एक क्वेश्चन है, हाउ टू यूज ड्रैग एंड ड्रॉप इन एंड डिजाइन। तो ये हो गई इसकी क्वेश्चन का टाइटल, और बॉडी को देखें तो ये है हमारा क्वेश्चन का बॉडी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये कॉपी करता हूँ मैं इस बॉडी को पूरा, जो भी क्वेश्चन आस्क हुए वहाँ पे इस तरह से सपोज मैं पूरा का ही गेट कर लेता हूँ उसको, और यहाँ पे हम इस बॉडी में इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। ये जो हमने यहाँ पे यूज किया है ना ये है React Quill, ये जो हमने चीजें दिख रही है यहाँ पे ये सभी है React Quill का टेक्स्ट एडिटर है। तो हम यहाँ पे अपने चीजों को अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं, एक एक चीज को अच्छे से फंक्शनली, और जो इम्पोर्टेंट और भी डिफरेंट चीजें जैसे कि कोड ब्लॉक, बैक कोड्स और ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा टैग्स का सेक्शन। तो टैग्स में हमें टैग्स कैसे ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारा जैसे रिएक्ट है तो हमने यहाँ पे एंटर किया तो टैग्स इस तरह से ऐड हो गए। टैग्स को रिमूव करना है तो यहाँ पे क्लिक करके टैग्स को हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये हमारा टैग्स हो गया। यहाँ पे हम यहाँ पे मैक्सिमम 5 टैग्स को हम यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। ये रहा हमारा फ्रंट एंड के लिए, फ्रंट एंड के लिए। तो ये सारे हमारे टैग्स हो गए। हम यहाँ से क्वेश्चन को आस्क कर सकते हैं, तो यहाँ से हम ऐड करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन सक्सेसफुली ऐड हो गया है। ऐड होकर के क्वेश्चन हमारे होम पेज पर हम वापस रीडायरेक्ट हुए और सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने अभी ऐड किए थे वो क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिख रहे होंगे। सो व्हाट आई वांट इज एन एग्जांपल अबाउट हाउ टू मेक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप ऑफ द टेबल। अभी हमें इस क्वेश्चन को आंसर करना है तो हम इसी क्वेश्चन पे ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि ये हमने क्वेश्चन ऐड किया है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे ये जो प्रीव्यू है यहाँ पे हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। और यहाँ से हम इसमें क्वेश्चन में कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। सपोज हमने कुछ चीज हमारे मिस हो चुकी है तो हम यहाँ पे इसके कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्वेश्चन इज एडिटेड, क्वेश्चन इज एडिटेड एडिटेड। और यहाँ पे हम आज का डेट, सपोज मैं डेट दे देता हूँ इसको, क्वेश्चन इज एडिटेड इस तरह से। और हम यहाँ से कमेंट को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने कमेंट को ऐड किया तो वही हमारा कमेंट्स यहाँ पे शो होने लगे। तो ये हमारा कमेंट्स है। इसी तरह से सेम हम इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम आंसर भी कर सकते हैं। तो दिस इज टेस्ट आंसर। और इस तरह से हम इस आंसर को भी ऐड कर सकते हैं। आंसर को भी हम अच्छे तरीके से इसको हम रिच टेक्स्ट एडिटर की मदद से अच्छे से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। इसमें भी हम कोड राइट कर सकते हैं। सपोज यहाँ से हमारे पास कोड का ऑप्शन होता है तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर हमने इसको कोड में देना है तो हम इस तरह से कोड में हम इसको दे सकते हैं। अगर इससे हम क्या कर सकते हैं, आंसर को पोस्ट कर सकते हैं। तो इस बटन पे क्लिक करके आंसर यहाँ पे देख सकते हैं कि आंसर इज एडेड सक्सेसफुली। तो ये हमारा आंसर भी ऐड हो चुका है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज टेस्ट आंसर। तो ये जो फ्लो है, ये जो चीज़ें हैं, ये हमने बिल्ड करना है। अभी इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन पे हमने कब किस टाइम पे आस्क्ड हुआ है और ये सारी चीज़ व्यू है, अपवर्ड डाउनवर्ड, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। ये हमारा हमारा स्टैक ओवर फ्लो है और ये स्टैक ओवर फ्लो है, रियल स्टैक ओवर फ्लो है। तो आप देख सकते हैं कि डिजाइन जो ऑलमोस्ट यूआई और ये फंक्शनैलिटी हमने ऑलमोस्ट ही सेम ही रखा है। तो आप ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों डिजाइन को आप अच्छे से व्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हमने एज इट इज स्टैक ओवर फ्लो क्लोन बनाने की कोशिश की है। और ऑलमोस्ट चीज़ें यहाँ पे हमारी डन हो चुकी है। तो अभी चलते हैं वापस अपने कोड पे, देखते हैं ये इंस्टॉल हुआ ही नहीं। ओके, कुछ एरर आ रहा है, आई थिंक हमें फोर्सफुली इसको करना पड़ेगा। हम यहाँ पे फोर्स डालते हैं। ओके, तो जब तक ये होता है, सो गाइज सो हियर वी आर डन विद द डिपेंडेंसी इंस्टॉलेशन हियर। सो अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लिया है। तो हमने यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे मटेरियल यूआई मटेरियल इसको इंस्टॉल किया है। हमने यहाँ पे फायरबेस को इंस्टॉल किया है, रिएक्ट एचटीएमएल पार्सर को इंस्टॉल किया है, रिएक्ट क्विल को इंस्टॉल किया है, रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल किया है एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट। तो ऑलरेडी हमारे बॉयलरप्लेट एचटीएमएल, बॉयलरप्लेट जो रिएक्ट एप्लीकेशन है उससे आया होगा, और रिएक्ट टैग इनपुट कंपोनेंट को हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया। तो ये सारी डिपेंडेंसीज है जिसका कि हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे इस पूरे फ्रंट एंड को बिल्ड करने के लिए। तो हमने यहाँ पे इन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे करा है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमें फ्रंट एंड को बिल्ड करना और जो ये स्केलेटन है इसका स्केलेटन को कंप्लीट करना। तो हम सबसे पहले अगर अपने एक्सकेलेटन यहाँ पे अगर इसको चले और इसको देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक हेडर कंपोनेंट है और इस हेडर कंपोनेंट में हमारे पास ये सारे इन्फॉर्मेशंस हैं। सपोज हमारे पास एक सर्च फील्ड है, हमारे पास एक लोगो है, प्रोडक्ट्स हैं, इधर हमारा एवेटार है और ये हमारे इनबॉक्स क्वेश्चंस और यहाँ पे स्टैक एक्सचेंज का एक आइकॉन है। तो ये हमारा हेडर कंपोनेंट है। हेडर कंपोनेंट के बाद अगर बात करें तो हमारे पास एक साइड बार कंपोनेंट है। साइड बार कंपोनेंट्स में क्वेश्चन है, टैग्स है, यूजर्स है, इस तरह से। हमारे पास एक मेन कंपोनेंट है जो कि हमारा ये मेन सेक्शन है। तो हम इस तरह से इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करके हम इसको इस स्केलेटन को हम यहाँ पे बेसिकली बिल्ड कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, सोर्स फोल्डर और सोर्स डायरेक्टरी के अंदर हमने एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम हमने कंपोनेंट्स देना है। तो ये कंपोनेंट्स है और इस कंपोनेंट्स के अंदर हमें क्या करना है, इस कंपोनेंट्स के बेसिकली हमारे पास सपोज हमारे पास एक हेडर कंपोनेंट होगा तो हम यहाँ पे इसमें क्या कर सकते हैं, हेडर कंपोनेंट यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। ये है हमारा हेडर जेएस। सो हमने सबसे पहले हेडर कंपोनेंट को बिल्ड करना है और हेडर कंपोनेंट को बिल्ड करने करने के साथ ही इस हेडर कंपोनेंट को हमें
ऐप डॉट जे एस में, बेसिकली अभी ये जो हमारा ऐप डॉट जे एस है, इसमें अभी जो भी रिएक्ट और रिडक्स के जो बूट स्ट्रैप्ड कोड हैं, जो इनिशियल कोड हैं जैसे काउंटर के, वो होंगे। तो हम इसको एक बार स्क्रैप करके पूरा रिमूव कर लेते हैं। तो हमने इसको रिमूव कर दिया है यहाँ से, और रिमूव करके हमने यहाँ से लोगों को हटाना है, हमने यहाँ से काउंटर को हटाने हैं। तो ये हमने इसको पूरी तरीके से स्क्रैप कर दिया है ऐप डॉट जे एस को, और इस ऐप डॉट जे एस के अंदर ही हमें यूज करना है जो कि है हमारा हेडर। इसी के अंदर हमारा आएगा और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स भी जो है वो इसी के अंदर हमारे आ रहे होंगे। तो ये चीजें हैं हमारे पास। ओके सो अभी हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक अभी बेसिक से एक हेडर कंपोनेंट होगा। तो हम यहाँ पे सिंपली अभी एक हेडर ऐसे कंपोनेंट के लिए हमने हेडर को इस तरह से बना दिया है। अभी क्या है ना कि हेडर के अंदर हमें जा करके इन चीज़ों को पहले बिल्ड करनी पड़ेगी। तो हेडर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक स्निपिट जो है वो हम रिटर्न कर सकते हैं, जो कि है रिएक्ट फंक्शनल एक्सपोर्ट कंपोनेंट का स्निपिट। ये है हमारा रिएक्ट फंक्शनल एक्सपोर्ट कंपोनेंट। तो ये हमारा रिएक्ट फंक्शनल एक्सपोर्ट कंपोनेंट। अब इसमें हमें क्या है कि हमें यहाँ पे डिफॉल्ट हमने इसको एक्सपोर्ट तो कर दिया, साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक रिटर्न फंक्शंस और रिटर्न स्टेटमेंट्स भी लिख के आ गए। बट हमें क्या है कि रिएक्ट के साथ में करना है, तो आई थिंक ये वाला स्निपेट नहीं चलेगा। हम यहाँ से आर एफ सी ई करते हैं, तो ये वाला बेस्ट है। यहाँ पे रिएक्ट ऑटोमेटिक हमें इम्पोर्ट स्टेटमेंट जो रिएक्ट के साथ में है वो हमें यहाँ पे मिल रहे होंगे। सो अब अगर हम यदि हेडर कंपोनेंट को देखें, तो हमारे पास ये हेडर है। अगर हम इसको सेव करते हैं, वापस से ऐप डॉट जेस में जाते हैं, और यहाँ पे हेडर कंपोनेंट को सबसे पहले मैंने क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके अच्छा, अभी ये इसको भी एक बार सेव करते हैं, और हेडर कंपोनेंट में जा करके यहाँ पे कुछ मैसेज रखते हैं ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज रखता हूँ, हेडर हेलो फ्रॉम हेडर कंपोनेंट, हेडर कंपोनेंट। और ये सारी चीज़ें सही चल भी रही है नहीं चल रही, इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक बार रन करते हैं। तो अपन एक बार टर्मिनल को ओपन करते हैं, और जो रिएक्ट एप्लीकेशन को रन करने के लिए, जो कि डेवलपमेंट मोड पे जो भी रन होगा रिएक्ट एप्लीकेशन, उसको हमें रन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे npm start scripts, जो अगर पैकेज डॉट जेसन फाइल को देखें तो हमें यहाँ पे तीन चीज़ें मिलती है। एक हमारा होता है रन के लिए, जो रन स्टार्ट करते हैं जिससे कि हमारे डेवलपमेंट मोड पे वो स्टार्ट होगा। जब प्रोडक्शन का बिल्ड करेंगे तो ये प्रोडक्शन बिल्ड होगा यहाँ से, ये टेस्टिंग के लिए और ये इजेक्शन के लिए है। तो हमने यहाँ पे इसको स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे npm start, और ये क्या करेगा रिएक्ट ऐप को यहाँ पे स्टार्ट करेगा थ्रू रिएक्ट स्क्रिप्ट से, और ये इसको क्या करेगा स्टार्ट करेगा। तो इसके बाद इसको स्टार्ट होने देते हैं रिएक्ट ऐप को हमारा। तो ये एक बार स्टार्ट हो जाए तो हमें ऑब्वियसली हमें ये चीज़ें जो कि हेडर कंपोनेंट के अंदर हमने जो लिखा है हेलो फ्रॉम द हेडर कंपोनेंट, ये चीज़ें हमें वहाँ पे शो होनी चाहिए ब्राउजर पे। ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, और सक्सेसफुल कंपाइल होने पे हमें क्या होगा कि हमें ये हेलो फ्रॉम द हेडर कंपोनेंट, ये हमें चीज़ें हमें शो होनी चाहिए। तो ये है हमारा हेडर, यहाँ पे हम देख सकते हैं सक्सेसफुल कंपाइलेशन के बाद हमारे पास आ रहा है हेलो फ्रॉम द हेडर कंपोनेंट। बट यहाँ पे ये जो है ना सेंट्रली अलाइंड है, बट हमें ऐसा तो चाहते नहीं है कि ये सेंट्रली अलाइंड हो। तो इसको यहाँ पे डिफॉल्ट स्टाइलिंग को हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली रिमूव करना पड़ेगा। तो जो ब्राउजर एनेबल्ड और जो हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन पे जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग है उसको रिमूव करने के लिए हम ऐप डॉट सीएसएस में चलते हैं, और यहाँ पे मैं पूरे को कॉपी करता हूँ एक बार, और इसको मैंने एक बार कमेंट कर दिया, और आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और इंडेक्स डॉट सी एस एस में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो मार्जिन और पैडिंग है हर एक पेज पे, उसको हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करना है 0। तो मार्जिन को भी 0 कर दिया है हमने यहाँ पे, और पैडिंग को भी हमने यहाँ पे कर दिया है 0। तो मार्जिन और पैडिंग हमारा 0 हो चुका है, और इस तरह से हम यहाँ के इसके डिफॉल्ट जो भी हमें स्टाइलिंग दिख रही थी वो स्टाइलिंग को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये यहाँ से ये रिमूव हो चुका है, ये दिख रहा है हमें हेलो फ्रॉम द हेडर कंपोनेंट्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा हमारा हेडर कंपोनेंट के अंदर, बट हम क्या करते हैं कि इसको और अच्छे से मॉड्यूलर और ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं एक क्या करता हूँ, एक और फोल्डर बनाता हूँ जो कि हेडर है, और इस हेडर डॉट जे एस को मैं इसमें पुट कर देता हूँ इस हेडर फोल्डर के अंदर में। और जो हमारा ऐप डॉट जे एस है ना, यहाँ पे हमने इसको इम्पोर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, कंपोनेंट्स के अंदर जाना है हेडर, और इसके अंदर हमने यहाँ पे मिलेगा तो हम इसको अपडेट कर लेते हैं ऑलवेज ऑटोमेटिक अपडेट को, इसको हम अपडेट कर देते हैं इम्पोर्ट को। अभी ये सही से हमारा इम्पोर्ट हो चुका है। अभी इस कंपोनेंट का नाम हेडर डॉट जे एस है,
हेडर के अंदर हमने एक कंपोनेंट बनाया हेडर डॉट जेएस, और इसकी स्टाइलिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर हमने एक सीएसएस नॉट फाइल नहीं बनाना, हमें इसी के अंदर क्या करना है, सीएसएस फोल्डर बनाना है। तो एक फोल्डर बनाते हैं इसी के अंदर सीएसएस, और इसका रखते हैं हमने नाम रख दिया इसका हेडर डॉट सीएसएस। तो ये है हमारा हेडर डॉट सीएसएस, ठीक है। हमने यहाँ पे फोल्डर बना लिया है हेडर, और एक फोल्डर बनाया है सीएसएस का। तो हमने इसको कंपोनेंट्स के अंदर रखा है, और इसको हेडर को हमने हेडर के अंदर रखा है। तो ये रहा हमारा कंपोनेंट। ओके नो नो नो, ये हमारा हेडर के अंदर होना चाहिए। ओके अभी ये ठीक है। तो ये हमारा हेडर है, हेडर के अंदर हमारा एक हेडर कंपोनेंट डॉट जेएस है, हेडर डॉट जेएस जो कि कंपोनेंट्स है, और हेडर के अंदर हमारा एक फोल्डर है सीएसएस जो कि उसके अंदर हेडर डॉट सीएसएस है। अभी हमें क्या करना है कि हेडर डॉट जेएस के अंदर हमें जो स्टाइलिंग जो भी करनी है वो हमने यहाँ पे ऐड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं उस फाइल को। तो ये है हमारा हेडर डॉट सीएसएस का फाइल। तो ये हमारा मिलेगा कहाँ पे, ये मिलेगा हमें सीएसएस फोल्डर के अंदर। ये है हमारा हेडर डॉट सीएसएस इस तरह से। तो ये हमारा हेडर डॉट सीएसएस। अभी क्या करना है कि ये जो हमारा हेडर है यहाँ पे हमारा रिटर्न है, तो अभी हम इसको स्क्रैप करते हैं एक बार, और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हेडर है कंपोनेंट बनाते हैं, हेडर टैग है सॉरी, ये हमारा हेडर टैग है। बेसिकली हेडर के लिए हमने ये चीजों को करना है। ओके सो हेडर टैग को अगर हम एक बार वापस से रिव्यू करें एक बार देखे, तो हम इसको इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। अभी हमने इसको चेंजेज करे हैं, तो इस कारण से ये चेंजेज अभी इधर आए नहीं है। इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं एक बार। और जो हमारा वापस से ये हमारा जो एप डॉट जेएस है इसको हमने एक बार और सेव कर लेना है। तो हमने इन दोनों को सेव कर लिया है। अभी हमने इसको वापस से रिफ्रेश करते हैं पेज को, और यहाँ पर रिफ्रेश हो चुका है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो हेडर है वहाँ पे एक लोगो है, एक प्रोडक्ट का सेक्शन है, बीच में एक सर्च बार है, और हमारा एवेटार है, और ये सारे आइकॉन्स हैं इधर। तो अभी हम बारी बारी से वही चीज़ को एक एक इम्प्लीमेंट करते हैं हमारा। तो वापस से चलते हैं हम हेडर डॉट जे एस में, और हमारा हेडर के अंदर हमने क्या करना है, एक डिव बनाते हैं हम यहाँ पे। इसका क्लास नेम देते हैं हेडर कंटेनर। सो ये है हमारा हेडर कंटेनर इस तरह से, और हमने इस डिब के अंदर हेडर कंटेनर रखा है। और हेडर कंटेनर को अगर अपन वापस से देखें तो दो चीज़ें यहाँ पे दिखने को मिलती है, एक हेडर कंटेनर का लेफ्ट सेक्शन, एक हेडर कंटेनर का मिडल सेक्शन, और हेडर कंटेनर का राइट सेक्शन। तो इस तरह से हमने इसको आगे दो दो पार, तीन पार्ट में हमने इसको आगे बाइफरकेट कर दिया। और इस तरह से भी आपको भी अगर कोई डिजाइन कॉम्प्लेक्स है तो उसको छोटे छोटे मॉड्यूलर कोड में हम इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ताकि ये हमें समझने में आसानी हो और ये चीज़ें हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। तो हमने यहाँ पे एक और डिव रखा है, और यहाँ पे हमने इसको क्लास नेम दिया है यहाँ पे। अभी इसके अंदर हमने एक तीन सेक्शन बनाने हैं, एक हेडर लेफ्ट के लिए, एक हेडर मिडल सेक्शन के लिए, और एक हमारा हेड रहेगा हेडर के राइट सेक्शन के लिए। तो हमने एक डिव रखा है, तो इसी डिव को एक बार कॉपी कर लेते हैं, और इसी डिव को हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैं इसी को पेस्ट कर लेता हूँ, ये हो गया हमारा हेडर मिडल सेक्शन के लिए। और एक और पेस्ट करते हैं हम यहाँ पे, हो गया हमारा हेडर राइट सेक्शन के लिए। तो इसका नाम देते हैं हेडर मिडल। सो ये है हमारा हेडर का मिडल सेक्शन जो कि हमारा सर्च बॉक्स जो भी था हमारा सर्च बॉक्स था वहाँ पे, और हमारा हेडर का राइट सेक्शन। तो ये है हमारा हेडर का राइट सेक्शन। ओके सो राइट, सो वी आर डन विद दिस। अगर हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमारा हेडर जो लेफ्ट सेक्शन है, लेफ्ट सेक्शन में इन चीज़ों को हमें ऐड करना है। तो लेफ्ट सेक्शन में हमारे पास क्या है, एक लोगो है जो कि हमारा एक इमेज टैग के अंदर आएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे इमेज टैग से हमने इसको बंद कर लिया, और ये हमारा यहाँ पे हेडर के लिए। तो हमने यहाँ पे सोर्स रखा है, सोर्स में हमने इमेज के सोर्स को देना, और ऑल टैग में हमने यहाँ पे इसमें डाल दिया है कि ये है हमारा लोगो। ओके सो अभी हम क्या करते हैं कि इस इमेज के सोर्स को हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। तो इस इमेज के सोर्स को पेस्ट करते हैं यहाँ पे हम। इमेज के एड्रेस को हमने यहाँ पे कॉपी करके इस तरह से हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे हमारा ये इमेज हो गया। नेक्स्ट जो है वो है हमारा एक H3 टैग में डालो, या फिर इसको हम P टैग में डाल सकते हैं। इसको हमने H3 टैग में डाला है, ये जो प्रोडक्ट्स है इसके लिए। तो इमेज टैग के बाहर हमने यहाँ पे एक H3 टैग बना लेता हूँ मैं, और इसके अंदर रखते हैं हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स। ओके ये हमारा H3, और ये हमारा प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट सेक्शन, राइट। ओके अब आते हैं हम अपने मिडिल सेक्शन पे। मिडिल सेक्शन जो बेसिकली वहां पे एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर हमारा सर्च सर्च बॉक्स है बेसिकली। तो
तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको एक अलग ही एक डिव में रैप करते हैं, और इसके क्लास नेम को हम देते हैं हेडर सर्च कंटेनर, नेम देते हैं इसको हेडर सर्च कंटेनर, और ये है हमारा डिव। ओके, और इसी डिव के अंदर हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे दो चीज़ें रखनी है। अभी अगर देखें तो हमारा जो डिव सेक्शन है, यहाँ पे हमारे पास एक सर्च आइकॉन है और एक हमारा इनपुट फील्ड है, तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे भी रखनी है। तो सर्च आइकॉन हम क्या करते हैं, मटेरियल यूआई जो भी है हमारा मटेरियल एमयूआई मटेरियल, तो उससे हम यहाँ पे सर्च आइकन को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा सर्च, ओके, सर्च को इंपोर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया है, कंट्रोल एंड राइट क्लिक। ओके, तो हमने इसको ऐसे इंपोर्ट करना है, इसको ऊपर चलते हैं यहाँ पे इम्पोर्ट, और हमने यहाँ पे करना है सर्च, सर्च को इम्पोर्ट करना है हमें आइकॉन से, तो हमने यहाँ पे डालना है मटीरियल एम यू आई। इसको आप डॉक्यूमेंट, आप एक बार डॉक्यूमेंटेशन को भी प्रेफर करना, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको ये चीज़ें आसानी से वहाँ पे मिल जाएगी। आइकॉन के अंदर है हमारे यहाँ पे सर्च, तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये हमें गिटहब या फिर हम इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है यू आई का, वो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, तो और वहाँ पे भी आपको इसको ये चीज़ें आपको वहाँ पे मिल रही होगी। एक बार मटेरियल के डॉक्यूमेंटेशन को एक बार देख ही लेते हैं। तो ये है हमारा मटेरियल आइकॉन्स, और मटेरियल आइकॉन्स में हमने सर्च आइकन को देखना है, तो ये है हमारा सर्च आइकन, तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च कर ही लेता हूँ सर्च करके। तो ये है हमारा सर्च आइकन, सर्च आइकन है, हमने ये वाला आइकन को यूज करना है, तो इसको क्लिक किया हमने यहाँ पे, इससे ये चीज़ें हमें यहाँ पे मिल गई, इम्पोर्ट सर्च आइकन फ्रॉम एम यू आई आइकॉन्स मटेरियल, और उसके अंदर है ये यहाँ पे सर्च। तो हमने इसको क्लिक करके इसको कॉपी कर लिया है, और इसको कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। तो ये एक राइट वे नहीं है, करेक्ट वे नहीं है इसको इंपोर्ट करने का। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सर्च आइकन को इंपोर्ट कर लिया है, और यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख सिंपली सर्च कर जाके यहाँ के लिए क्या लिख सकते हैं, सर्च आइकॉन। मे भी हो सकता है हमने ये जो डिपेंडेंसी है मटेरियल एम यू आई आइकन्स मटेरियल की, ये डिपेंडेंसी हमने आई थिंक इंस्टॉल नहीं की है, तो मे भी हो सके तो एरर आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो इसको हमने अभी सेव किया है, इसको एक बार कंपाइल होने देते हैं, कंपाइल हो करके देखते हैं क्या आता है हमारा। तो हाँ, ये जो हमने एग्जैक्ट जो एरर बताया था वही एरर है, हमने इसको इंपोर्ट करना है, इंस्टॉल करना है एम यू आई आइकॉन्स मटेरियल को, तो ये भी डिपेंडेंसीज हमें रिक्वायर्ड होगी, तो ये डिपेंडेंसीज भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे किया npm इंस्टॉल, और ये हमने पेस्ट कर दिया एम यू आई आइकॉन्स मटेरियल इस तरह से। जब तक ये आइकन्स इंस्टॉल हो रहे हैं, जब तक कि मैं आगे के नेक्स्ट प्रोसेस को भी देखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास हेडर कंटेनर है, कंटेनर जो भी था, कंटेनर के अंदर जो इनपुट बॉक्स है उसमें हमने यहाँ पे आइकन को हमने प्लेस कर दिया है। उसके बाद हमारे एक इनपुट बॉक्स बनाना है, ये इनपुट बॉक्स के लिए हमारा इनपुट टैग है, और ये हमारा इनपुट टैग है, इनपुट टैग के अंदर हमने दो चीज़ें ऐड करनी है, और जो भी इसके लिए एक हमारा टाइप है जो कि टाइप है हमारा टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लेस होल्डर्स है, तो ये हमारा प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर को हमने यहाँ पे क्या डाल दें, इस तरह से डाल देता हूँ सर्च क्वेश्चंस और वाट एवर, इस तरह से ये हमारा प्लेस होल्डर हो गया। ओके, तो ये डिब हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि मिडिल सेक्शन था वो भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा था राइट सेक्शन का, तो ओके, ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक डिब ऑलरेडी बना रखा है हेडर के राइट सेक्शन का, तो राइट सेक्शन में हमारे पास बंच ऑफ आइकॉन्स है। अगर हम वापस से अगर डिजाइन को देखें और हमारा हेडर को देखें, हमारे पास एक एवेटार है, इनपुट बॉक्स है, और क्वेश्चन मार्क आइकॉन है, और हमारे यहाँ पे स्टैक एक्सचेंज का आइकॉन है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है, और ये चीज़ हमें यहाँ पे लगानी है हेडर के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले हमने एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसी इसी डिव क्लास और इसी को मैं एक बार कॉपी करता हूँ, इसको अंदर एक और रखते हैं, और जो इसका हेडर राइट है ना, तो इसको मैं नेम दे देता हूँ हेडर राइट कंटेनर, इस तरह से हेडर राइट कंटेनर। और ये जो डिव होगा इसके अंदर, इस डिव के अंदर हमारे पास एवेटार होंगे, तो ये है हमारा एवेटार, एवेटार ए वी ए टी आर, एवेटार को हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है एम यू आई मटीरियल से। ओके, तो ये हमारा एवेटार है। एवेटार के बाद हमने यहाँ पे एक इनपुट आइकॉन रखना था, इनपुट बॉक्स का आइकॉन रखना था, तो हम इस तरह से यहाँ पे इनपुट बॉक्स आइकन भी रख सकते हैं, जो कि इनपुट आइकॉन है हमारा इस तरह से, और इनपुट आइकॉन को हम इंपोर्ट करेंगे वही एम यू आई मटेरियल आइकॉन्स से। ये हमारा इनपुट आइकॉन्स है, इनपुट आइकन है। उसके बाद हमारे पास एक एक हमारे पास
आइकॉन है जो कि हमने वहां से इसको इंपोर्ट करना है, ये जो हमारा आइकॉन है स्टैक एक्सचेंज का, ये एसबीजी है, इसको हम यहाँ से या तो हम इस एसबीजी को गेट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम एसबीजी ही पेस्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको इसके एसबीजी को पेस्ट कर दिया है, और आपको इसका एसबीजी हमें गिटहब के रेपोजिटरी में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाल सकते हैं, और या फिर डायरेक्टली आप कहीं से भी इसके इमेज के यूआरएल को पिक करके ये आप इसको इम्प्लीमेंट और यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं। आई थिंक तब तक ये इंस्टॉल हो चुका होगा, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो ये हमारा टर्मिनल है, अभी ये इंस्टॉल हो रहा है आई थिंक, मटेरियल मटेरियल आइकॉन्स मटेरियल। तो इसको एक बार इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एसबीजी है और एसबीजी मैं यहाँ पे जब तक पेस्ट कर लेता हूँ, जो कि हमारा स्टैक एक्सचेंज का आइकॉन का एसबीजी होगा, तो मैं उसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे जब तक। तो मैं यहाँ पे एसबीजी को पेस्ट कर रहा हूँ, ये है इसका एसबीजी स्टैक एक्सचेंज का, और ये जो एसबीजी है हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है, और ये हमारे इनपुट आइकॉन है, इनपुट आइकॉन को भी हमने इम्पोर्ट करना है बेसिकली। तो अपन इसको इसको इम्पोर्ट करते हैं सब तक, इसको कॉपी करते हैं इसी, और इसी को हमने यहाँ पे नीचे पेस्ट करना है। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सर्च आइकन, सर्च आइकन के बाद ये जो है सर्च आइकन ये यहाँ पे हो जाएगा इनपुट आइकॉन, इस तरह से इनबॉक्स नॉट इनपुट, इट इज इनबॉक्स आइकॉन राइट। तो ये हमारा इनबॉक्स आइकॉन है, ओके इसी तरह से नीचे ये भी इनबॉक्स आइकॉन होना चाहिए, इनपुट आइकॉन नहीं, ये है इनबॉक्स आइकॉन, ओके। तो इस तरह से हमने इसको भी इंपोर्ट कर लिया दोनों को, अभी देखते हैं ये इंस्टॉल हो चुका होगा, और ये सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो चुका है। तो अब इसको हम एक बार सेव करते हैं, और यहाँ पे सर्च जो है ना, ये सर्च की जगह पे यहाँ पे आएगा इनबॉक्स, तो ये हमारा इनबॉक्स इस तरह से। तो हमने इसको सेव करना है, सेव करके अभी हम इसको देखते हैं हमारे ये जो चेंजेस है वो रिफ्लेक्ट हुए या नहीं हुए हैं। तो ये अगर चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए होंगे तो हमने अभी सिर्फ इसकी स्टाइलिंग करनी होगी, और इसको हम सिंपली यहाँ पे बस स्टाइल कर देंगे। तो ये आई थिंक कंपाइल हो रहा होगा, तो एक बार कंपाइल चेक करते हैं ये कंपाइल हुआ या नहीं हुआ अभी तक। तो आई थिंक ये कंपाइल हो रहा है अभी, इट इज कंपाइलिंग, तो लेट इट कंपाइल फर्स्ट, इसको एक बार कंपाइल होने देते हैं अभी। ये हमारे पास इतने सारे एरर्स आए हैं, और ये इसलिए है क्योंकि जो हमारा MUI है वहाँ पे हमने जो इंपोर्ट किया वो NPM का वर्जन और इसका वर्जन डिफरेंस होने के कारण से ये सारे के सारे जो मॉड्यूल्स है वो इंस्टॉल नहीं हुए हैं। तो ये एक करके ये जो जितने भी इमोशन एट द रेट इमोशन रिएक्ट इमोशन स्टाइल्ड इमोशन ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके इसको आई थिंक इंस्टॉल करनी पड़ेगी, या फिर आप वर्जन 4.2 और जो वर्जन 4.0.2 जो है वो मटेरियल यूआई का यूज कर सकते हैं, वो बिल्कुल कंपेटिबल है अपने इससे, तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं अभी एज इट इज। अभी इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एक करके इसको इंस्टॉल करता हूँ, इमोशन रिएक्ट को, इमोशन स्टाइल्ड को, और हमारा ये दो ये इसको इंस्टॉल करते हैं ताकि ये एरर आगे ना आए। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं पहले, तो ये है हमारा, इमोशन रिएक्ट। तो चलिए इसको एक बार इंपोर्ट कर ही लेते हैं पहले, पूरा इंस्टॉल कर लेते हैं ये सारी डिपेंडेंसीज को। तो इसको इंस्टॉल कर लिया हमने सारे ये जो डिपेंडेंसीज थी इमोशन रिएक्ट और इमोशन स्टाइल्ड को, ये जो दो डिपेंडेंसीज जो मिसिंग थी तो ये दोनों हमने इंस्टॉल कर दिया है। आई थिंक ये जो चीज़ें आई थिंक अब ये कंपाइल हो चुकी होगी सक्सेसफुली, तो एक बार चेक करते हैं। तो ये कंपाइल हो चुका होना चाहिए, हाँ ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है आई थिंक, अभी हमें ये शो होगा और ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। तो हमने ये इसको अभी हमने इस पे क्या करना है, स्टाइल स्टाइल्स इम्प्लीमेंट करने हैं। तो हमने क्या करना है, इसको स्टाइल्स इम्प्लीमेंट करके और इस हेडर सेक्शन को बेसिकली अभी क्या अभी के लिए इसको फाइंड कर लेना है। तो अगर इसमें सी एस एस ऐड करने से पहले जो हमारा ग्लोबल सी एस एस रहने वाला है उसको एक बार हम यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पे एप डॉट सी एस एस में पुश पुट करने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे इस ग्लोबल सी एस एस को रखना पड़ेगा, जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है जो एप डॉट जे एस के अंदर अगर आप देखो तो ये जो रैपर डिव है वो है ऐप क्लास की, और इस ऐप क्लास में अगर हमें जो रूट पे कुछ रखना है तो हम यहाँ पे इसको रख सकते हैं। सपोज अगर हमें रेस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना है विद कोर सी एस एस तो हम इसको इससे भी कर सकते हैं।
अदरवाइज आप इंडेक्स डॉट सी एस एस में भी चेंजेस कर सकते हैं। इंडेक्स डॉट सी एस एस में हमने तो मार्जिन और पैडिंग ऑलरेडी ऐड कर दिया है, तो जो मार्जिन और पैडिंग दोनों जीरो रख दिया, इससे क्या होगा कि जितने भी डिफॉल्ट जितने भी स्टाइलिंग होगी वो जो स्टाइलिंग होगी वो हमने कंपोनेंट्स के अंदर ही करने हैं। अगर हमने ऐप डॉट सी एस एस में भी कुछ नहीं रखा है या फिर इसको सीधा ब्लैंक ही रख दे तो अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम क्या करते हैं, हेडर डॉट सी एस एस में डायरेक्ट हम चेंजेस करते हैं, ताकि ये जो हमने हेडर कंपोनेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको डिजाइन कर सके और इसको अच्छे से व्यू करा सके। तो हमने इसको सी एस एस से हमने हेडर डॉट सी एस एस को ऑलरेडी हमने इम्पोर्ट कर ही लिया है, तो हमने ये हेडर डॉट सी एस एस में इसको भी जो स्टाइलिंग है इसकी हेडर की, हेडर कंपोनेंट की, तो इस स्टाइलिंग को हम एक बार फिनिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो कंपोनेंट है, मतलब सबसे पहले हमारा जो चीज है, सपोज अगर मैं देखूं तो हमने यहाँ पे सबसे पहले जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है हेडर का टैग। और हेडर का टैग जब भी होता है, अभी अगर आप देखो तो मैं जब स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हेडर अपने पोजीशन पे फिक्स्ड है, ये हेडर जो पोजीशन पे फिक्स है वो आ रहा है एसटीकी पोजीशन को एसटीकी करने से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस हेडर पे हमने स्टाइलिंग ऐड करनी है और इसके पोजीशन को फिक्स कर लेना है, चाहे स्क्रॉल कितनी भी स्क्रॉल करे तो वो अपने पोजीशन पे फिक्स रखे जो कि टॉप हमारा जीरो होगा। तो इस तरह से हमारा हेडर टैग पे है, तो हमने इसको सबसे पहले मैक्सिमम विड्थ जो है ना, मैक्सिमम विड्थ को हम यहाँ पे रखते हैं, फिट कंटेंट जितना है उतने पे ही रखने हैं मैक्सिमम विड्थ को। डिस्प्ले को हम यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स का यूज करेंगे, तो सो डिस्प्ले को हमने फ्लेक्स दिया है। पोजीशन को हम यहाँ पे दे सकते हैं स्टिकी, जैसे कि हमने बताया कि हमने उसको क्या करना है कि उसको फिक्स रखना है अपने पोजीशन पे और स्टिकी रखना है टॉप, और टॉप से रखना है 0 पिक्सल, मतलब कि वो टॉप पे जाके चिपका रहेगा। और जो जी इंडेक्स है वो हमने जी इंडेक्स को हमेशा मतलब पॉजिटिव नंबर में हमने 1000 लिया है कि ये ऑलवेज एट द वेरी टॉप होगा। और जो इसकी मिनिमम हाइट है यानी जो कम से कम हाइट है वो हमने 5 व्यू हाइट स्क्रीन साइज से हमने इसको हमने इसके मिनिमम हाइट को भी स्पेसिफाई कर दिया है। तो ये हमारा मिनिमम हाइट है, अभी इसको हम सेव करते हैं, अभी चेंजेस देखते हैं एक बार कि चेंजेस और हुए या नहीं हुए। तो वापस चलते हैं अपने कोड पे, तो आई थिंक ये चेंजेस हो गए होने चाहिए, सपोज आई थिंक मुझे लगता है कि अभी ये कंपाइल हो रहा है, तो एक बार देखते हैं, कंपाइल हो चुका है, ऑलरेडी कंपाइल हो चुका है ये सक्सेसफुली। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये हमने इसको रिफ्रेश कर लिया है, तो आई थिंक अभी ये हमारा रिफ्रेश हो चुका है। अभी आगे जो नेक्स्ट जो प्रोसेसेस हैं, सपोज हमारा हेडर डॉट जे एस है, अभी इसको एक बार देख लेते हैं सही से सी एस एस इम्पोर्ट हुए हैं नहीं हुए हैं। तो अभी सही से हो चुके हैं सी एस एस इम्पोर्ट, सी एस एस के अंदर है हेडर डॉट सी एस एस, ये चीज़ें हमारी डन है, ये चीज़ें हमारी कंप्लीट है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा हेडर कंटेनर, और हेडर कंटेनर है उसके अंदर हेडर लेफ्ट है राइट है और इस तरह से है। तो हमने आगे नेक्स्ट जो स्टाइलिंग ऐड करनी है वो करनी है हेडर कंटेनर पे, तो ये हमारा हेडर कंटेनर क्लास, और हेडर कंटेनर क्लास में हमने यहाँ पे डिस्प्ले को एज इट इज डिस्प्ले को फ्लेक्स देना है, फ्लेक्स डायरेक्शन को हमने यहाँ पे रखा है, रो वाइज रखना है हमें फ्लेक्स डायरेक्शन को, विड्थ हमने रखा है पूरा 100% टोटल स्क्रीन साइज का, हमने ऑल आइटम्स को अलाइन करते हैं सेंटर पे, और हमने यहाँ पे पहले तो ये देखते हैं कि जस्टिफाई हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये दोनों सभी चीज़ों को पैरेलली और सिमल्टेनियसली चेंजेस को भी देखने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, इसको साइड बाय साइड ही ओपन कर लेते हैं, ताकि हमने इसको अच्छे से हम देख पाएं और व्यू कर पाएं इसको, ठीक है। तो हमने इसको साइड बाई साइड रखा है, अब जो चेंजेस करेंगे तो हम यहाँ पे अब इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने अलाइन आइटम्स को हमने सेंटर किया है, अभी हमने क्या करना है कि सभी आइटम्स को जस्टिफाई जो कंटेंट है, मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को दे रहा हूँ स्पेस अराउंड, तो जस्टिफाई कंटेंट को दे रहा हूँ स्पेस अराउंड, ताकि एक स्पेस जो है बेसिकली तीनों सेक्शंस के बीच में ये स्पेस डिवाइड हो जाए, हमारा जो लेफ्ट राइट और ये जो सेक्शन है उसमें। तो हमने यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को दिया, हमने यहाँ पे स्पेस अराउंड, और हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो बैकग्राउंड कलर को दे देते हैं, यहाँ पे हम आरजीबी का यूज करते हैं 251 250, जो कि ग्रेस कलर होगा, और 250 इस तरह से। तो ये बैकग्राउंड कलर हमने इसको दे दिया। ओके, अभी जो हेडर है, ये हेडर हमारा विड्थ जो अगर इसको देखे तो विड्थ हमारा अभी भी इसको पूरा स्क्रीन साइज के विड्थ को ये नहीं ले रहा, तो हमने इसको पूरे स्क्रीन साइज के विड्थ को देना है। तो विड्थ को देने के लिए हम यहाँ पे या तो विड्थ में हम यहाँ पे डाल सकते हैं 100 व्यू हाइट,
इस तरह से व्यू विड्थ इस तरह से, ये हमारा विड्थ हो चुका है हेडर पे। ओके तो ये बेसिकली हम यहाँ पे हेडर हेडर तो बेसिकली कंपोनेंट होगा ऐसा, और हमने यहाँ पे इसमें क्या किया है, हमने इसके विड्थ को 100 व्यू विड्थ कर दिया, बट जो हमने मैक्सिमम विड्थ दिया है ना वो दिया हमने फिट कंटेंट, जितने फिट जितने पे कंटेंट होगा उसी पे वो फिक्स फिट कर लेगा, मतलब कि कोई एक्स पे एक्स स्क्रॉल नहीं होगा, मतलब जो एक्स स्क्रॉल एक्स होता है वो नहीं होगा, हॉरिजॉन्टली हम इसको स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे। तो वही करते मैं मैक्सिमम कंटेंट को फिट कंटेंट अगर मैं हटाऊंगा तो ये पूरा का पूरा इधर ये एक्सपेंड हो चुका है। तो इस तरह से हमने इसको अभी किया है, अभी और भी इसको रिफाइनमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये भी विड्थ को हम यहाँ पे डायनेमिकली नहीं देते, ऑलरेडी हमने यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स को यूज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे विड्थ को भी देना जरूरी नहीं समझा है। ये फ्लेक्स पे बेसिकली वो उसको गेट कर लेगा जो कि मैक्सिमम विड्थ जो है वो 100 व्यू विड्थ ही ले रहा होगा। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है हमारा हेडर, हेडर कंपोनेंट में अभी जैसे क्या है कि इसमें हम थोड़ा सा शैडो दे सकते हैं थोड़ा सा 3D लुक के लिए, तो हम यहाँ पे इसमें एक शैडो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो शैडो के लिए हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स शैडो का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा बॉक्स शैडो है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे दिया है 0 पिक्सल ऑफ रेक्स, यहाँ पे 0.5 पिक्सल जो कि बहुत ही फेंट होगा, और 8 पिक्सल, और यहाँ पे ये RGBA इसका जो कलर है वो कलर हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। RGBA है तो आई थिंक हमें यहाँ पे एक्वा भी देना पड़ेगा, तो ये रहा 0.0.0.0 और हम इसमें 0.178 इतना हम यहाँ पे इसको बॉक्स शैडो को दे सकते हैं। तो ये बॉक्स शैडो थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव व्यू देगा, जैसे कि अभी देख सकते हैं हमने बॉक्स शैडो को देने के बाद हमें ये व्यू हो रहा है। हमारे पास हेडर लेफ्ट सेक्शन है, तो अभी हम यहाँ पे हेडर लेफ्ट क्लास को भी हम यहाँ पे स्टाइल करते हैं। तो ये हमारा हेडर लेफ्ट क्लास, हेडर लेफ्ट में हमारे हमने वैसे ही सेम इस तरह से डिस्प्ले और फ्लेक्स का यूज करते हैं। ऑल आइटम्स को हमने फ्लेक्स डायरेक्शन को हमने यहाँ पे रो फिक्स कर लिया है, और एलाइन करते हैं आइटम्स को सेंटर पे, तो एलाइन आइटम सेंटर रखा है हमने, और मार्जिन जो हमने दिया है मार्जिन जो हमने देना है वो मार्जिन हम या तो हम टॉप से मार्जिन को टॉप से 0 रखते हैं 0 पिक्सल, और लेफ्ट से मार्जिन को रखते हैं 10 पिक्सल। तो ये हमारा हो चुका है हेडर लेफ्ट का पार्ट, और थोड़ा सा इमेज काफ़ी बड़ा आ रहा है तो हम इस इमेज को फिक्स कर सकते हैं। तो हमारे पास हेडर लेफ्ट है और हेडर लेफ्ट के अंदर हमारे पास इमेज है, तो हेडर लेफ्ट के अंदर हमारे पास इमेज है, उस इमेज को हम यहाँ पे फिक्स करते हैं। तो इमेज का हमने विड्थ मैंने फिक्स कर देता हूँ, विड्थ मैं देता हूँ 150 पिक्सल, और जो ऑब्जेक्ट फिट होगा वो रहेगा कॉन्टेंट, जिससे कि इसकी एस्पेक्ट रेशियो भी मेनटेन रहेगी। और जो पैडिंग है मैंने पैडिंग को हम देते हैं यहाँ पे 0, पैडिंग कुछ भी नहीं देना, पैडिंग को हमने यहाँ पे 0 रखा है इस तरह से। और यदि अभी ये थोड़ा सा बेटर इमेज दिख रहा है यहाँ पे, और यदि इस इमेज पे होवर हो रहा है तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड में भी उसमें वो या फिर कर्सर को हम यहाँ पे इसमें इमेज के कर्सर को हम यहाँ पे पॉइंटर कर सकते हैं, तो ताकि हमें यहाँ पे वापस से होम पेज पे रीडायरेक्ट हो तो हम यहाँ पे रीडायरेक्ट करवा सके बेसिकली। उसके बाद हमारे पास H3 टैग था जो हमने बताया था, जो प्रोडक्ट्स के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे थे। तो हेडर लेफ्ट के अंदर हमारे पास H3 टैग है, तो H3 का हम सबसे पहले तो फॉन्ट वेट को कम करते हैं, फॉन्ट वेट को हम रखते हैं यहाँ पे 400, तो थोड़ा सा बढ़िया फॉन्ट ये दिखेगा। और जो फॉन्ट साइज है उस फॉन्ट साइज को 14 पिक्सल में भी परफेक्ट होगा, और मार्जिन लेफ्ट से 0 सॉरी टॉप से 0 एंड लेफ्ट से 10 पिक्सल का हमने यहाँ पे मार्जिन देना है। तो ये हमने मार्जिन दे दिया, और जो हमने कर्सर दिया है वो कर्सर को हम यहाँ पे क्या करते हैं पॉइंटर रखते हैं, कर्सर को पॉइंटर रखा है, इसको हमने सेव कर लिया। तो इस तरह से हमने हमारा ये बढ़िया दिख रहा है अभी। अभी हमने यहाँ पे इस पर कुछ इफेक्ट्स डालते हैं होवर करने पर, तो मैं वो इफेक्ट्स को मैं ऑन होवर डालूंगा, तो ये ऑन होवर फंक्शन ये चलेगा। ऑन होवर हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ पे रख लेते हैं DDD जो कि ग्रेइस कलर है, और बॉर्डर रेडियस जो है वो हम रख लेते हैं पिल साइज का जो कि राउंडेड बॉर्डर्स होंगे, तो बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पे दे देता हूँ 33 पिक्सल्स इस तरह से। तो
ये बहुत ही बढ़िया बॉर्डर, हमें राउंडेड कर्व्ड बॉर्डर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे ये इस तरह से दिख रहा है, बट हमें ऐसा दिखाना नहीं है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने इसको पैडिंग देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें एक पैडिंग ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस पर क्या करेंगे, पैडिंग भी ऐड कर देते हैं ताकि वो सेंट्रली अलाइंड हो। तो पैडिंग हम क्या करते हैं, पैडिंग हमने टॉप से 5 पिक्सल देता हूँ और राइट और लेफ्ट से हमने 10 पिक्सल की पैडिंग दे दी है। तो ये थोड़ा सा बेटर अब दिख रहा है। तो इस तरह से हमने इसको पैडिंग दे करके इसको फिक्स कर लिया। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है मिडिल सेक्शन। मिडिल सेक्शन में हमारा कंटेंट है जो कि मिडिल सेक्शन पे हमारा इनपुट फिल इनपुट बॉक्स के लिए रहेगा। तो अब मैंने जैसे हेडर लेफ्ट किया है, उसी तरह से हमने हेडर मिडिल क्लास को हमने पिक करना है। हमने इसको डिस्प्ले को फ्लेक्स करा दिया और हमने यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन को रो रखते हैं, रो वाइज, और हमने एलाइन आइटम्स को सेंटर करते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें इनपुट फील्ड को और सर्च आइकन को हमने यहाँ पे सेंट्रली अलाइन कर दिया है। अब जो हमारा हेडर मिडिल सेक्शन है वो मिडिल क्लास है। अगर हमने इस एक बार चेक कर लूँ दोनों, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, आई थिंक होने तो नहीं चाहिए। हेडर मिडिल सेक्शन है, ये हमारा हेडर मिडिल सेक्शन है, उसके अंदर हमने यहाँ पे, हाँ ठीक है, हमने यहाँ पे हेडर मिडिल सेक्शन को रखा है, ऑब्वियसली परफेक्ट है ये। वापस हमने हेडर डॉट सीएसएस पे चलते हैं। अभी क्या है कि हमारे पास हेडर मिडिल सेक्शन के अंदर हमारे पास है हेडर सर्च कंटेनर कंटेनर। तो हमने यहाँ पे वही रखा है हेडर कंटेनर की जगह, यहाँ पे हमने करना है हेडर सर्च कंटेनर। तो ये है हमारा सर्च कंटेनर। तो हेडर सर्च कंटेनर है, हेडर सर्च कंटेनर को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है। इसमें हमने पैडिंग ऐड करनी है। पैडिंग मैं यहाँ पे देता हूँ जो कि सेम पैडिंग हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो टॉप से भी 10 पिक्सल और राइट से भी 10 पिक्सल की पैडिंग दे दी हमने। और हमने मार्जिन राइट से मार्जिन दिया है, हमने मार्जिन राइट 10 पिक्सल की। और बैकग्राउंड कलर हमने रखा है एब्सोल्यूट वाइट जो कि हमारा FFF होगा। और हमने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देनी है, बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा राउंडेड होगा बॉर्डर, जो कि हमारा 3 पिक्सल सही रहेगा वहाँ पे। इस तरह से हमने इसको सेव कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पैडिंग वगैरह दे दी है, अभी भी ये फिक्स बट ये दिख नहीं रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बॉर्डर बॉर्डर 1 पिक्सल का बॉर्डर ऐड कर लेते हैं। तो बॉर्डर हमने रखा है यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड। और ये जो हमारा कलर होगा बॉर्डर का, वो मैं कलर जो है वो फिक्स करता हूँ 34 34 34, जो कि एक फेंट ग्रेस कलर होगा। इक्वा के लिए हमने यहाँ पे इसमें, सॉरी इक्वा कह रहा हूँ, RGBA में हमने अपेसिटी यहाँ पे इसको दिया। बट ये जो इनपुट फील्ड है ना, इनपुट फील्ड थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा। इनपुट फील्ड के इस जो डिफॉल्ट इसमें जो बॉर्डर है और जो आउटलाइन है, वो हम इसको यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे पास हेडर सर्च कंटेनर है और उसके अंदर है हमारे पास इनपुट फील्ड। तो इस इनपुट फील्ड में हमने सबसे पहले तो क्या करना है, बॉर्डर को देना है नन। बॉर्डर नन करने के बाद हमारे पास विड्थ जो है वो विड्थ हमने देनी है पूरी, मतलब 100% विड्थ हमने वहाँ पे उस डिप को प्रोवाइड करानी है। और हमने जो मार्जिन थोड़ा सा ये चिपका हुआ है आइकन के साथ में, तो हमने मार्जिन लेफ्ट देना है 5 पिक्सल ताकि वो थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो। मार्जिन लेफ्ट हो गया 5 पिक्सल का। और हमने यहाँ पे आउटलाइन भी देना है नन। तो ये हमने हमारा इनपुट फील्ड का वो डन हो चुका है। अभी हमारे पास यहाँ पे आइकॉन, अगर हम देखें तो हमारे पास आइकॉन है सर्च आइकॉन। सर्च आइकॉन के कलर को हमने चेंज करना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो हम इसके कलर को डायरेक्ट चेंज करने के लिए हमने क्या करना है कि इसी सेम क्लास के अंदर, हेडर सर्च कंटेनर के अंदर, हम डायरेक्ट इस मटेरियल UI के इस क्लास को हम ओवरराइड करा देते हैं, जो कि है हमारा MUI SVG आइकॉन रूट। और जो हमने यहाँ पे कलर देना है वो कलर हम देते हैं यहाँ पे CCC। तो ये जो कलर है वो थोड़ा सा वाइटिश है और इस तरह से ये थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ मैच करके परफेक्ट दिखेगा। अभी हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है हमारा हेडर राइट सेक्शन का। तो जिस तरह से हमने हेडर लेफ्ट, हेडर मिडिल और इस तरह से किया, उसी तरह से हमने हेडर राइट के लिए भी हमने स्टाइलिंग करनी है। तो ये हमारा हेडर राइट सेक्शन है। हेडर राइट सेक्शन को हमने यहाँ पे डिस्प्ले इसको भी फ्लेक्स ही कराया है। और हमने हेडर राइट सेक्शन में हमने यहाँ पे कंटेनर दिया है। तो हेडर राइट के अंदर हमारे पास है हेडर राइट कंटेनर। तो हेडर राइट कंटेनर, ये हमारा हेडर राइट कंटेनर है। तो हेडर राइट कंटेनर को हमने सेम उसी तरह से इसमें भी हमने फ्लेक्स बॉक्स के लिए हमने डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, अलाइन आइटम्स को सेट, अलाइन आइटम्स को सेंटर करते हैं, अलाइन आइटम्स को सेंटर करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे पैडिंग देनी है। तो पैडिंग हम यहाँ पे टॉप से 5 पिक्सल और लेफ्ट से 10 पिक्सल की हमने पैडिंग दे दी। तो
ये अब थोड़ा सा बेटर दिख रहा है अभी अभी यहाँ पे हमारे हमें या थोड़ा सा बेटर दिख रहा है हमें यहाँ पे ये। उसके बाद हमारे पास ये इसके अंदर जो आइकॉन्स है, इस आइकॉन्स के आइकॉन्स को हमें फिक्स करना है बेसिकली। तो इस आइकॉन्स को हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो हमारे पास है हेडर राइट कंटेनर, और हेडर राइट कंटेनर के अंदर हमने सेम इसी एम यू आई के क्लास को एक्सप्लॉइट करना है। तो ये है हमारा MUI SVG आइकॉन रूट, और हमने यहाँ पे कलर जो है उस कलर को हम यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर हम इसके कलर, हाँ कलर को हम यहाँ पे RGBA के फॉर्म में ले लेते हैं, और नहीं, ये RGBA के फॉर्म में ले लेते हैं। और यहाँ पे ये ठीक है, इसके कलर को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 534 इतना देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा लाइट ब्लैक होगा ये, तो थोड़ा सा बिटर कलर है अभी ये। अभी यहाँ पे इसके पैडिंग को मैं देता हूँ 10 पिक्सल टॉप से और 5 पिक्सल राइट से, लेफ्ट से सॉरी। तो ये थोड़ा सा अभी बढ़िया और दिखेगा। अभी मैं इस यहाँ पे मार्जिन भी देना है, तो मार्जिन हम देते हैं यहाँ पे, जैसे हमने सभी में मार्जिन दिया था, तो टॉप से 0 पिक्सल और राइट से 5 पिक्सल की मार्जिन हमने यहाँ पे देनी है। ओके, मार्जिन के बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कर्सर को हमने यहाँ पे पॉइंटर के लिए फिक्स कर दिया है। कर्सर हमारा यहाँ पे हो गया पॉइंटर। अब जो हमारे पास होवर करने पे कुछ बढ़िया इफेक्ट जैसे इसमें हमने दिया था, सेम उसी तरह से हमने इसमें भी ऐड करने हैं होवर पे। तो उसको कैसे ऐड करेंगे, तो चलिए उसको मैं एक बार देख लेता हूँ। तो होवर करने पे वो सारे इफेक्ट्स को हमें देखने हैं। तो जैसे हमारे पास हेडर कंटेनर है, हेडर राइट कंटेनर, उसके अंदर हमारे पास है MUI आइकन रूट, और उसमें हमारा है होवर इस तरह से। ओके ओके, तो ये हमारा होवर। ओके, अभी जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर को हमने दिया है हमने DDD, जिस तरह से हमने उसमें दिया था उस तरह से इसमें बैकग्राउंड कलर है। और जो कलर होगा वो कलर को हमने कर दिया है एब्सोल्यूट ब्लैक। तो ये हमारा होवर करने पे आइकन के कलर थोड़े चेंज होंगे, तो हम इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बिल्कुल आसान होगा। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो है स्क्रीन साइजेस के लिए, तो रेस्पॉन्सिवनेस के लिए। तो हम यहाँ पे रेस्पॉन्सिवनेस के लिए क्या कर सकते हैं कि अगर हमने टैब में व्यू करना है, तो हम यहाँ पे हेडर में मिडिल सेक्शन को रिमूव करा सकते हैं इस तरह से। अभी जैसे ये देखो, ये क्या है ना, एक एक दूसरे से साथ में अभी ये चिपक चुका है। तो हमें क्या करना है कि हमने रेस्पॉन्सिव करने के लिए, रेस्पॉन्सिव डिजाइन में मैं ऐड करता हूँ, जैसे कि हमने आईपैड के लिए करना है। सपोज हमारे पास टैबलेट है, टैबलेट का जो जो स्क्रीन साइज होता है वो होता है 768 पिक्सल नॉर्मली एवरेज जो होता है। तो हमने स्क्रीन साइज डाला है यहाँ पे, और स्क्रीन साइज के बाद हमने यहाँ पे डाला है कि मैक्सिमम विड्थ अगर 768 पिक्सल होती है, मतलब कि हमने अभी फोन के लिए करा है, मोबाइल फोन के लिए करा है, जितने भी मोबाइल फोन है उसके लिए। तो ये अगर इससे मैक्सिमम विड्थ मतलब इससे मैक्सिमम विड्थ मतलब 768 होती है, मतलब कि इससे कम अगर होता है, तो हमने मिडिल वाला जो हमारा पार्ट है उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले में हमने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नन कर सकते हैं। तो हमने इसको डिस्प्ले में नन कर दिया है। जैसे ही अगर 768 पिक्सल से कम होगा तो हमारा मिडिल सेक्शन वो नहीं दिखेगा। तो ये है हमारा इस तरह से। अभी हमने इसको बड़ा किया तो हमने मिडिल सेक्शन दिख रहा है, अभी हमने ये मिडिल सेक्शन गायब हो गया। तो ये हमने 768 पिक्सल पे हमने ये ऐड कर दिया। उसी तरह से हमने अगर मिनिमम विड्थ अगर 768 पिक्सल से ज़्यादा होता है तो हमने इसमें क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा मीडिया एंड स्क्रीन, और यहाँ पे हमने डाला है जो मिनिमम विड्थ है वो है 760, मतलब कि आईपैड और हमारा लैपटॉप्स और जो बड़े स्क्रीन्स है वो, मतलब केवल इसको छोड़कर मोबाइल फोन को छोड़ कर गए। तो जो हमने मिडिल सेक्शन है ना, मिडिल सेक्शन में हमने एक कैलकुलेशंस करते हैं। तो हेडर मिडिल सेक्शन में हमने विड्थ जो है, विड्थ को हम यहाँ पे रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कैल्क फंक्शन का यूज करते हैं, और हमने इसको 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं टू व्यू विड्थ से। तो टू व्यू विड्थ से ये 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमने विड्थ को हमने फिक्स कर दिया है। और जो हेडर सर्च कंटेनर है उसके विड्थ को हमने क्या करना है, 100% कर दिया है। तो कंटेनर मतलब कि जितना भी विड्थ होगा वो पूरे के पूरे जो होंगे उसमें ये सर्च कंटेनर जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब कि उसकी जो विड्थ होगी वो 100% की होगी। इस तरह से हमने इसको सेव कर लिया, तो हमने ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब जैसे जैसे मैं स्क्रीन साइज बड़ी करता जाऊंगा, ये जो हेडर
का जो मिडिल सेक्शन है, ये जो सर्च बार है, ये भी क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे मैं स्क्रीन छोटा करता जाऊंगा, ये और भी रेस्पॉन्सिव होता जाएगा, और इसकी जो स्क्रीन, ये जो चीजें हैं, वो जाके छोटी होती चली जाएगा। और एक टाइम आएगा जो कि 768 के बाद, ये जो चीजें हैं बीच वाली, वो सेक्शन हमें व्यू हम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो हेडर सेक्शन है, यानी जो हेडर पार्ट है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आप यहाँ पे डिजाइन को देख सकते हैं, हेडर पार्ट के डिजाइन को। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, वो है हमारा साइड बार पार्ट को। साइड बार को हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो साइड बार हमने कैसे शो कराना है, तो हम अगर आप वापस अपने डिप्लॉयड वो देखें, तो ये हमारा डिप्लॉयड एप्लीकेशन है, तो ये हमारा साइड पार्ट। सो इधर है होम है, पब्लिक है, क्वेश्चन है, टैग है, यूजर है, कलेक्टिव है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे साइड बार्स में ऐड करनी है। तो क्या करते हैं, सेम उसी तरह से जैसे हमने हेडर के लिए हमने एक फोल्डर बनाया था, उसी तरह से कंपोनेंट के अंदर ही हम क्या करते हैं, एक साइड बार का फोल्डर बनाते हैं। तो ये जो साइड बार का फोल्डर होगा, वो हेडर के सॉरी ये हमारे कंपोनेंट्स के अंदर होगा, ये जो डायरेक्ट कंपोनेंट्स के अंदर ये फोल्डर बनेगा हमारा। तो ये हमारा साइड बार कंपोनेंट। साइड बार कंपोनेंट्स में बेसिकली छोटी सी राउटिंग हो रही है, इंडेक्सिंग और ये चीजें हो रही है, तो ये हमारा साइड बार कंपोनेंट्स। तो हम यहाँ पे इसी चीज को हम यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं, साइड बार कंपोनेंट्स। और या फिर हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा मेन कंपोनेंट है, और या फिर स्टैक ओवरफ्लो, इसको नाम ही देते हैं स्टैक ओवरफ्लो कंपोनेंट। और इसके अंदर दो छोटे छोटे कंपोनेंट्स कर सकते हैं, एक हमारा हो जाएगा मेन कंपोनेंट और एक होगा हमारा साइड बार कंपोनेंट। तो वो थोड़ा ज्यादा मॉड्यूलर होगा, और थोड़ा ज्यादा चीजें हमें वहां पे उससे क्लियर हो रही होंगी। तो इसको हम साइड बार कंपोनेंट कहने के बजाय हम इसको कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो। इस तरह से ये स्टैक ओवरफ्लो हमने यहाँ पे फोल्डर का नेम दे दिया। अब इसके अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ, जो कि होगा साइड बार डॉट जे एस की फाइल, इस तरह से। तो हमने यहाँ पे साइड बार डॉट जे एस की फाइल हमने यहाँ पे बना ली है। हमारे पास साइड बार डॉट जे एस की फाइल है, और हमने यहाँ पे एक और फाइल बनाया है, जो कि हमने रखता है उसका नाम इंडेक्स डॉट जे एस, ताकि हम वहाँ पे यूज कर सके साइड बार और जो मेन कंपोनेंट होगा, उस दोनों को एक साथ हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो अभी हम इसको क्लोज करते हैं। अभी जो हमारा इंडेक्स डॉट जे एस है, इंडेक्स डॉट जे एस में हमारे पास साइड बार डॉट जे एस है, राइट। तो साइड बार डॉट जे एस में हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इसका एक फंक्शनल कंपोनेंट, सपोज यहाँ पे साइड बार डॉट जे एस, हमने यहाँ पे एक इसका रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट के साथ में स्निपिट से हमने इसको जनरेट कर लेना है। तो इसको हमने इसको जनरेट कर लिया है ना। उसी तरह से इंडेक्स में भी हम सेम उसी तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो हमने इसको भी जनरेट कर लिया है। तो इंडेक्स में क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक हमारा साइड बार और एक होगा हमारा मेन डॉट जे एस, मतलब मेन मेन जो हमने यहाँ पे स्क्रीन में हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, मतलब ठीक है। तो ये दो चीजें हमारे पास होगी। ओके, तो हमारे हमने यहाँ पे इंडेक्स डॉट जे एस में हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे सबसे पहले साइड बार को इम्पोर्ट कर लेना है, क्योंकि हमने साइड बार की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट जे एस में हमने यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ सबसे पहले जो हमारे इंडेक्स डॉट सी एस एस है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टाइलिंग भी यूज करनी है। तो हमने यहाँ पे करा है इम्पोर्ट इंडेक्स डॉट सी एस एस। सो इम्पोर्ट हमने करा है यहाँ पे सी एस एस। या फिर आप यहाँ पे या तो ये कर सकते हैं कि हम एक ही फाइल रखें सी एस एस के लिए, और उसी के अंदर ये सारे कुछ ऐड करते रहे। तो बट ये इसको और मॉड्यूलर और स्मूथ करने के लिए और बेहतर करने के लिए हम इसको अलग अलग में भी कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सी एस एस की फाइल बना फोल्डर, ओके, नॉट हेडर कंपोनेंट के अंदर नहीं बनाना, हमें बनाना है इसको स्टैक ओवरफ्लो फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होगा, जो कि हमारा होगा सी एस एस का, ओके। और इस सी एस एस फोल्डर के अंदर होगा हमारा इंडेक्स डॉट सी एस एस, इस तरह से। अभी हमारा इंडेक्स डॉट जे एस है, अभी यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे हमारा सी एस एस है। अभी सी एस एस में हमने गेट करना है बेसिकली, तो ये हमारा सी एस एस फोल्डर, और इसके अंदर है हमारा इंडेक्स डॉट सी एस एस, ओके, गॉट इट, फाइन। अभी हमारा इंडेक्स डॉट सी एस एस यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या करना है, एक डिव है, हम यहाँ पे इसको क्लास नेम देते हैं, क्लास नेम इसका देखते हैं स्टैक ओवरफ्लो। सो सिंपली नेम जैसे इसका नाम देखते हैं स्टैक इंडेक्स, और स्टैक इंडेक्स में भी एक और फोल्डर बनाते हैं, सॉरी एक और डिव रखते
रखते हैं इसके अंदर स्टैक इंडेक्स के अंदर, और ये जो डिव है उसका हमने नाम रखा है स्टैक इंडेक्स कंटेंट, ओके इस तरह से। और इसके अंदर इस कंटेंट के अंदर दो चीजें होंगी, एक तो हमारा साइड बार कंपोनेंट होगा, साइड बार कंपोनेंट होगा इस तरह से, और एक हमारा होगा मेन कंपोनेंट। तो मेन कंपोनेंट के लिए भी हमने क्या करना है, एक फाइल बनानी है। पहले तो मैंने इसको साइड बार को पहले इंपोर्ट कर लेना है, तो साइड बार को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा साइड बार कंपोनेंट, अभी हमने मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट भी बना ही लेते हैं। तो मैंने एक और फाइल बनाया यहाँ पे मेन डॉट जे एस करके, राइट। ये हमारा मेन कंपोनेंट हो गया। मेन कंपोनेंट के लिए हमने यहाँ पे सेम उसी तरह से आर एफ सी करेंगे। आर एफ सी करने से हमें क्या होगा, रिएक्ट फंक्शनल एक्सपोर्ट के साथ में हमने यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाता है हमें। अभी यहाँ पे टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे एक डिफॉल्ट टेक्स्ट या फिर हमने ऐसे टेक्स्ट डाल देता हूँ मैं, हेलो फ्रॉम मेन मेन कंपोनेंट इस तरह से। इसको हमने सेव करना है, तो इसको बंद करते हैं अभी। ओके तो हमारा इंडेक्स डॉट जे एस है, इंडेक्स डॉट जे एस में हमारा साइड बार कंपोनेंट है। साइड बार के बाद साइड बार के अंदर हमारे पास एक मेन कंपोनेंट होगा, तो ये मेन कंपोनेंट भी है। तो ये दो कंपोनेंट्स अगर अभी देख रहे हैं तो साइड बाय साइड हमें ये दोनों कंपोनेंट्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों कंपोनेंट्स हमें वहाँ पे यूज करना है। तो हमारा ये मेन कंपोनेंट्स यहाँ पे कंप्लीट, इंडेक्स डॉट जे एस हमारा फाइल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे जो नेक्स्ट काम है वो है हमारा साइड बार डॉट जे एस में। हम चलते हैं वापस अपने साइड बार डॉट जे एस में। तो ये हमारा साइड बार डॉट जे एस, साइड बार डॉट जे एस में हमने क्या क्या करना है। तो हमने यहाँ पे साइड बार डॉट जे एस में आप देख सकते हैं हमारे पास इस होम है, ये सारे आइकॉन्स और ये सारी चीजें हमें यहाँ पे अभी दिख रही होंगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिव है, तो इस डिव में हमने एक क्लास नेम देते हैं, पास करते हैं क्लास नेम देते हैं यहाँ पे साइड बार। साइड बार क्लास नेम हमने इसमें पास कर दिया। एक बार मैंने इस डिव को कॉपी किया, इसी डिव को हम अंदर यूज कर लेते हैं कंटेनर के लिए। तो एक है साइड बार और इसका जो डिव है इसको मैंने नाम दे दिया साइड बार कंटेनर, कंटेनर ओके। उसी तरह से साइड बार कंटेनर के अंदर है बहुत सारे ऑप्शंस, तो मैं इसी सेम इसी को मैं पेस्ट कर लेता हूँ और इसमें रखता हूँ मैं ऑप्शंस, और ऑप्शंस में होम पब्लिक और ये सारे हैं। और एक सिंगल ऑप्शन के लिए मैं एक सिंगल डिव रखता हूँ, तो उसके लिए सिंगल ऑप्शन के लिए भी यहाँ पे एक डिव हो गया इस तरह से, ठीक है। डिजाइन आपके ऊपर है, डिजाइन आप जैसे भी रखो, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो चुका है ऐड। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिंक का यूज करते हैं। लिंक बेसिकली क्या करता है, रिएक्ट राउटर डॉम है, और रिएक्ट राउटर डॉम में हमने यहाँ पे लिंक हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी मैं उसको पी टैग में रखता हूँ, ओके अभी मैं इसको पी टैग में रखता हूँ, या फिर मैंने इसको लिंक में रखना पड़ेगा, क्योंकि लिंक में अगर रखेंगे तो ताकि हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो बिना रिफ्रेश हुए और बिना वो क्रॉल स्क्रॉल किए, और जो क्रॉलिंग होती है इंडेक्स क्रॉलिंग, तो वो क्रॉल बिना क्रॉल किए ही हमने उसको उस कंपोनेंट में हमने वहाँ पे वो डायरेक्ट ले जाएगा। तो ये लिंक के थ्रू होगा, लिंक से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट हमने यहाँ पे जो एप डॉट जे एस है वहाँ पे हमने लिंक तो हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, बट हमारे पास एक एरर ये आएगा कि अब जब भी एप डॉट जे एस में तो हमने तो ऐसा कोई राउट्स और ये ऐसे स्विच और ये राउटर्स और राउट ये सारे तो कुछ प्रोवाइड किए नहीं है। तो रिएक्ट राउटर डॉम जो है वो यहाँ पे क्या करेगा, एरर को थ्रो करेगा। तो इसके लिए अभी क्या करता हूँ मैं एक एंकर टैग ही यूज कर लेता हूँ इसके लिए फिलहाल के लिए। और इस एंकर टैग में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, होम को प्रोवाइड करता हूँ अभी के लिए फिलहाल के लिए। तो ये एंकर टैग है और इसके अंदर हमने यहाँ पे होम को होम को भी डाला है। जैसे हम वहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमने जितने भी एंकर टैग हमने यहाँ बनाए हैं उन सभी को हमने क्या करना है, स्विच कर देना है, और उसको हम स्विच कर देंगे एंकर टैग को किसे, लिंक से, गॉट इट। सो ये हमारा हो गया एक साइड बार ऑप्शन। उसी तरह से हमारे पास दूसरा साइड बार ऑप्शन है पब्लिक का, तो ये होम की जगह मैंने इसको अभी रखना है पब्लिक। ये रहा हमारा पब्लिक, पब्लिक कैपिटल में पूरा, तो मैं चलो कैपिटल में ही देते हैं इसको। तो हमारा ये पब्लिक, और पब्लिक के अंदर है लिंक, दो लिंक है, एक है हमारा क्वेश्चन के लिए और दूसरा है हमारा टैग्स के लिए और तीसरा है हमारा यूजर्स के लिए। तो ये इस साइड बार ऑप्शन के अंदर ही है, साइड बार ऑप्शन के अंदर ही है। तो मैं एक और डिव ही बना लेता हूँ यहाँ पे, पेस्ट कर लिया हमने। और ये हमारा जो डिव है इसको हम इसका नाम देते हैं हम साइड बार लिंक, ज्यादा बेहतर लगेगा, साइड बार लिंक, या फिर डायरेक्टली हम इसको दे सकते हैं लिंक या फिर लिंक टैग। सिंपली मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, लिंक दे देता हूँ,
और लिंक में एक और डिव, इसमें एक और डिव होगा जो कि लिंक टैग्स के लिए होगा। तो ये हमारा है लिंक टैग, लिंक लिंक ये रहा हमारा टैग्स। ठीक है, लिंक टैग में हमारे पास क्या है, पब्लिक आइकॉन है, जो ये जो अर्थ का इमेज दिख रहा है ये है हमारा पब्लिक आइकॉन, तो हमने यहाँ पे बनाना है वही, तो ये हमारा पब्लिक इस तरह से, और ये हो गया हमारा आइकॉन इस तरह से। तो पब्लिक आइकॉन है गया हमारा, या तो हम डायरेक्टली आइकॉन को रिमूव कर सकते हैं और डायरेक्ट इसको हम गेट कर सकते हैं मटेरियल आइकॉन से, जैसे MUI आइकॉन से इस तरह से। तो ये हमारा पब्लिक हो गया इस तरह से। नेक्स्ट जो हमारा है वो हम एक एंकर टैग ही यूज कर लेते हैं इसके लिए। तो ये है हमारा एंकर टैग जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, और ये एंकर टैग में हमने इसका नाम रखा है क्वेश्चन। उसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा है टैग्स के लिए है, तो मैं एक और डिव रखता हूँ ऐसे ही, और जो ये इसका नेम है वो रखता हूँ मैं टैग्स, और सिंपली हाँ टैग्स ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये हमारा टैग्स के लिए, टैग्स में क्या है यूजर है और टैग्स है, तो इसको मैं रखता हूँ पी पी में, क्योंकि एंकर में ये इसके जो इम्प्लीमेंटेशन हमें लेटर पेज में करना है, तो इसलिए हमने इसको पी टैग में रखते हैं। दो चीज़ें हैं, अगर हमने टैग्स के थ्रू सर्चिंग करनी है तो हम टैग्स का यूज करेंगे, यूजर्स के थ्रू सर्चिंग करनी है हमने यूजर्स के थ्रू करेंगे। तो ये अभी फिलहाल के लिए मैंने इसको पी टैग में रखा है, तो ये हमारा यूजर्स और ये हो गया हमारा टैग्स इस तरह से। ओके, तो हमारा ये नेक्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कलेक्टिव्स का, तो कलेक्टिव्स का ऑप्शन है, तो ये हमारा ये डिव यहाँ पे क्लोज हो जाता है, और ये ऑप्शन वाला डिव हमारा यहाँ पे ही क्लोज हो गया, और ये है साइड बार ऑप्शंस वाला डिव, तो मतलब कि ये वाला डिव यहाँ पे क्लोज होता है, इसके यहीं पे हमने क्या करना है आगे पेस्ट करना है। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट जो है वो है साइड बार ऑप्शंस, तो मैं यहाँ पे करता हूँ डिव क्लास नेम। ओके, और यहाँ पे है साइड बार ऑप्शंस, तो वंस अगेन मैं यहाँ पे एक डाल दू साइड बार ऑप्शंस, ऑप्शन इस तरह से, नॉट ऑप्शंस नहीं है ऑप्शन है। ओके, तो ये हमारा साइड बार ऑप्शन है। अभी हमने एक पी टैग वापस से यूज कर देता हूँ पी टैग, और इसके अंदर रखता हूँ इसका नाम रखता हूँ कलेक्टिव्स, जिस तरह से हमने क्या नाम दिया है यहाँ पे इसका, तो इसका नाम देता हूँ मैं यहाँ पे कलेक्टिव्स, जो कि ये जो डायरेक्ट जो इसके वर्ड्स है वो मैं डायरेक्टली स्टैक ओवरफ्लो से गेट किया हूँ, तो ये हमारा कलेक्टिव्स हो गया। कलेक्टिव्स के अंदर सेम उसी तरह से हमारा लिंक होगा, लिंक के अंदर हमारा टैग होगा, तो इस तरह से हमने इसको कॉपी कर लिया है, जो कि ये वाला सेक्शन है यानी ये वाला पार्ट है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। अभी क्या है कि हमने इसको कॉपी कर लिया, अब इसको इसमें सिंपली पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये हमने पेस्ट कर दिया। तो हमारे पास क्या है कि पब्लिक है, और यहाँ पे पब्लिक की जगह में हमने यहाँ पे क्या करना है स्टार आइकन का यूज करना है, तो ये हमारा स्टार आइकन है, ये हमारा स्टार आइकन स्टार्स, हमने मटेरियल यूआई से इसको गेट कर लिया स्टार आइकन को, और स्टार आइकन है, और इसमें हमने मैं इसका नाम देता हूँ पी टैग की जगह एंकर टैग है ना, इस एंकर टैग में हमने इसका नाम दिया एक्सप्लोर कलेक्टिव्स, ये चलिए इसको लिखता हूँ मैं एक्सप्लोर एक्सप्लोर कलेक्टिव्स इस तरह से। तो ये हमने एक्सप्लोर कलेक्टिव्स हमने यहाँ पे इसका नेम रख दिया। नेक्स्ट जो है उसी तरह से फाइंड जॉब है, और उसके बाद यहाँ पे टीम्स है, तो मैं नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा फाइंड जॉब्स, और ये दोनों में का दोनों कुछ भी टैग्स नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा फाइंड फाइंड ए जॉब, और उसके अंदर है जॉब्स कंपनीज, फिर है टीम्स और कंपनीज, तो ये सारे चीज़ें हम आप इसको इजीली डायनेमिक कर सकते हैं, तो इसको आप इसको इजीली आप डायनेमिक भी कर सकते हैं, इसको तो इजीली डायनेमिक करना ही बेहतर होगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारा फाइंड ए जॉब के लिए, तो मैं एक और डिव बनाता हूँ जो कि साइड बार ऑप्शंस के लिए है, तो ये हमारा डिव, इसका नाम क्लास नेम देते हैं हम, ये हमारा साइड बार ऑप्शन OPTION। ओके, तो ये हमारा साइड बार ऑप्शन। ओके, और ये सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन है ये सारे के सारे हमने इसके अंदर पुट कर देता हूँ मैं साइड बार ऑप्शंस के अंदर, और ये जो है ये क्लोजिंग डिव है यहाँ पे। ओके, साइड बार ऑप्शंस के अंदर, साइड बार ऑप्शन के अंदर हमने यहाँ पे एक पी टैग है होगा, तो हमने यहाँ पे पी टैग लगाता हूँ मैं अभी, ये हमारा पी टैग। ओके, अब पी टैग के अंदर ये क्या होगा फाइंड अ जॉब कैपिटल में, तो ये इसको रखते हैं फाइंड अ जॉब,
फाइंड जॉब गॉट इट। और इसके अंदर दो लिंक है बेसिकली, एक है जॉब्स के लिए और एक है हमारा कंपनीज के लिए। इस तरह से तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ये जो हमारा पब्लिक है ये तो आइकन तो आएगा नहीं यहाँ पे, तो जो पहला लिंक है वो है हमारा जॉब्स के लिए इस तरह से। तो इनलाइन स्टाइलिंग हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, यहाँ जैसे कि इसमें और थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्टेड है, तो उसको हम यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग भी हम यहाँ पे इसमें दे दे सकते हैं, बट अभी के लिए मैं देखता हूँ जब तक और भी डिजाइन अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तब तो। ओके जब तक ये नेक्स्ट जो है वो है, हम यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हम इसको रखते हैं, जो कि है हमारा जॉब्स और कंपनीज तो ऑलरेडी हो ही चुके हैं, हमने हमने कंप्लीट तो कर ही दिए हैं जॉब्स और कंपनीज के लिए, जो कि लिंक्स के अंदर रखना पड़ेगा हमें। उसके अलावा जो हमारे पास है वो है हमारा टैग्स, तो इसको हटाता हूँ मैं एक बार, अभी फिलहाल के लिए भी इसको सेव करते हैं एक बार। अभी तो ये कुछ भी व्यू नहीं होगा क्योंकि हमने जो एप डॉट जे एस है ना, वहाँ पे हमने इसको हेडर डॉट जे एस के अलावा हमने वहाँ पे साइड बार और ये मेन कंपोनेंट्स और स्टैक ओवरफ्लो कंपोनेंट्स को रखा ही नहीं है, तो इस वजह से वो वहाँ पे व्यू नहीं होगा और हमें यहाँ पे दिखेगा भी नहीं। तो एक बार मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ, फिर मैं वहाँ पे एक बार इसको भी व्यू कर ही लेंगे साथ ही साथ। ओके ठीक है, अभी हमारे पास ये जो हमारे हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं अब साइड बार पे, तो ये डिब है, ये हमारा क्लोजिंग डिब है साइड बार ऑप्शंस के लिए, तो इसमें हमने यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं डिब क्लास ने, ये है हमारा साइड बार ऑप्शन, ये भी हमारा डिब है साइड बार ऑप्शन डिब, जो कि लास्ट लास्ट ऑप्शन है। यहाँ पर टीम्स है और यहाँ पर कंपनीज हैं, तो ये हमारा ऑप्शन में सबसे पहले पी टैग के अंदर हम यहाँ पर रखते हैं टीम्स, ये हो गया हमारा TEAS टीम्स कैपिटल में। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा एक लिंक टैग, लिंक टैग के अंदर हमने ये चीज़ों को रखना है, तो ये हमारा लिंक टैग ये कॉपी किया और इस लिंक टैग के अंदर हमें रखना है, तो हमने लिंक टैग को हमने यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं यहाँ पे लिंक टैग को। ओके और यहाँ पे क्वेश्चन की जगह पे हमने दो चीज रखनी है, एक बिजनेस वर्क आइकॉन, तो ये हमारा वर्क है, तो WORK वर्क है इस तरह से। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स में बना दे रखना है इसको, ये हमारा वर्क्स, और वर्क को हमने इंपोर्ट करना है हमने मटेरियल आइकॉन से, मटेरियल यूआई से हमने वर्क को इंपोर्ट कर लिया। और एक एंकर टैग जो भी है इसको लिए हम इसका नेम देते हैं हम यहाँ पे कंपनीज, कंपनीज इस तरह से। तो ये चीजें हो गई कंप्लीट, और ये डिव है 1 2 3 4 5 6 3 और 2 5, ये जो हमारा डिब है इस तरह से, ये डिब हमारा साइड बार, बेसिकली साइड बार हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया है। तो मैंने इसको साइड बार को अभी यहाँ पे क्या करता हूँ मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, साइड बार हमने सेव कर लिया। अब हम क्या करते हैं एक बार चलते हैं वापस से ऐप डॉट जे एस में, तो ये रहा हमारा ऐप डॉट जे एस, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ स्टैक ओवरफ्लो का। अभी स्टैक ओवरफ्लो हमारा एक कंपोनेंट है, स्टैक ओवरफ्लो हमारा क्या है अभी यहाँ पे कंपोनेंट है, और वो कंपोनेंट को हमने इंपोर्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं राउट के थ्रू, ठीक राउट्स के थ्रू हम यहाँ पे इस कंपोनेंट को हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, अभी अभी वो टाइम है कि हम यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम का हम यहाँ पे क्या कर सके यूज कर सके और इसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दे, तो ही हमें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बाद में भी हमें इसको इम्प्लीमेंट करना ही है रिएक्ट राउटर डॉम को। तो अभी मैं ऐप डॉट जे एस में मैं इसको क्या करता हूँ इम्पोर्ट इम्प्लीमेंट कर ही देता हूँ। सपोज सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो वो मैं इसको स्क्रीन साइज को बड़ा कर रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले हमने जो रिएक्ट राउटर डॉम में सबसे पहले जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होगी वो है ब्राउजर राउटर को हम गेट करते हैं, तो ब्राउजर BROWSER ब्राउजर राउटर, अच्छा ब्राउजर राउटर को हमने गेट किया है एज ए राउटर इस तरह से। देन मैं आपसे
स्विच की रिक्वायरमेंट होगी, फिर हमारे पास राउट होगा और रीडायरेक्ट भी होगा, जो कि हम लेटर फेज में हम इसका यूज कर रहे होंगे रीडायरेक्ट का। और ये सारे कुछ हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, तो ये सभी हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम से। तो ये हमारा रिएक्ट राउटर डॉम इस तरह से। अभी जो हमने ये जो डिव है ऐप, इसको एज इट इज रहने देते हैं और उसके अंदर हमने यहाँ पे एक राउटर टैग बनाता, राउटर बनाता हूँ मैं। ये हमारा राउटर, ये है गया हमारा राउटर इस तरह से, और राउटर के अंदर होगा हमारा स्विच। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्विच बना लिया, इस तरह से हमने यहाँ पे स्विच बना लिया। और ये जो स्विच है बेसिकली, इस स्विच के ऊपर हेडर, हेडर तो हर जगह कॉमन होगा, तो हेडर हर पेज पे होगा, इसलिए मैंने स्विच के ऊपर हमने क्या कर दिया, हेडर को डाला है। अब इस स्विच के अंदर, इस स्विच के अंदर हमने राउट्स को डिफाइन करने हैं। तो सबसे पहले राउट्स को मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, जो कि होगा होम पेज का। तो ये हमारा राउट, होम पेज के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट रखा है। ओके, अभी जो पाथ है, वो जो होम पेज का पाथ है, वो मैं यहाँ पे पाथ देता हूँ, जो कि लोकल, सॉरी, जो कि हमारा होम पेज होगा। तो ये हमारा होम पेज का पाथ, और जो कंपोनेंट जिससे कि रेंडर करना है, तो वो हो गया हमारे यहाँ पे कंपोनेंट इस तरह से। ये हो गया हमारा कंपोनेंट हो गया हमारा स्टैक ओवरफ्लो। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टैक ओवरफ्लो कंपोनेंट। अब ये स्टैक ओवरफ्लो कंपोनेंट जो है वो हमने किस कैसे गेट करना है, तो वो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। सो इंपोर्ट स्टैक ओवरफ्लो, और ये कहाँ पे है, कंपोनेंट्स है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर है हमारा स्टैक ओवरफ्लो। तो ये हमने स्टैक ओवरफ्लो को हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, हमने यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पे सिंपली इस तरह से हमने इसको गेट कर लिया है, और इसको मैं अभी सेव करता हूँ। तो ये इस तरह से ये वर्क करेगा। अब वापस हम चलते हैं अपने sidebar.js में, और जहां जहां हमने एंकर को ए लिखा है, उसको हम यहाँ पे चेंज करते हैं किससे, लिंक से। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ लिंक, और लिंक को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिंक को इंपोर्ट कर लिया है इससे रिएक्ट राउटर डॉम से। तो यहाँ भी है, लिंक कर देते हैं इसको इस तरह से। तो ये हमारा लिंक इस तरह से हो गया, ये हमारा लिंक राइट, ये भी हो गया लिंक उसी तरह से, ये हमारा लिंक इसी तरह से, ये है हमारा लिंक। नीचे भी है क्या एंकर टैग, हाँ नीचे भी एंकर टैग है। यहाँ भी हमने क्या करना है, लिंक देना है, इधर भी हमने यहाँ पे लिंक देना है। अब लिंक कहाँ पे जाएगा, वो लिंक में हम यहाँ पे टू में डाल के उन सभी को फिक्स कर लेंगे। ये हमने, ये हमारा हो गया लिंक। इसी तरह से नीचे अगर एंकर टैग है, तो यहाँ भी है एंकर टैग, तो ये भी हमने पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये भी हमारा लिंक, और ये भी हो गया हमारा लिंक। अब इसको सेव करते हैं, देखते हैं। तो हमने इसको सेव किया है, कंपाइल हो रहा है, ये कंपाइल हो जाए एक बार पूरा सक्सेसफुली, तो फिर हम इसको आगे व्यू कर सकते हैं, ये चीज़ें इंप्लीमेंट जो हमने की थी वो चीज़ें आई या नहीं आई, चेंजेस जो थे वो चेंजेस यहाँ पे पुश हुए हैं या नहीं पुश हुए हैं। सो यहाँ पे स्विच का एरर है। बेसिकली जो हमने यहाँ पे यूज किया है वो है रिएक्ट राउटर वर्जन 6, और रिएक्ट राउटर वर्जन 6 में जो स्विच है वो रीनेम हो चुका है राउट से। तो जहाँ भी हमने यहाँ पे स्विच यूज किया है, वहाँ पे हमने क्या करना है, ये स्विच की जगह पे हमने क्या करना है, इसको राउट्स करना है, और ये राउट्स यहाँ पे होगा स्विच की जगह पे। तो ये हमारा राउट्स है ऐसे, और ये हमारा राउट्स है। रिएक्ट वर्जन 5, रिएक्ट राउटर डोम वर्जन 5.2 तक तो ये स्विच था, उसके बाद ये जा करके राउट्स हो गया ऐसा। तो इसको अभी हम सेव करते हैं इसको, और एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं पेज को, ताकि ये इश्यूज रिजॉल्व हो गया हो। तो ये भी कंपाइल हो रहा है, एक बार कंपाइल होने देते हैं इसको सक्सेसफुली। ये कंपाइल हो चुका है, ये वन वार्निंग आ रही है जो कि रिएक्ट ओके। तो ये हमने यहाँ पे इसको कर दिया है। अभी ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे ये शो नहीं हो रही है, जो हमारा हेडर दिख रहा है, बट हमारा जो नीचे
स्टैक ओवरफ्लो क्लोन, स्टैक ओवरफ्लो कंपोनेंट से हमने साइड बार जो दिखना था वो साइड बार अभी हमने यहाँ पे साइड बार हमें हमारे यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है, तो हमने साइड बार को यहाँ पे व्यू कराना है। तो इसको के लिए, इसके करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने इंडेक्स डॉट जी एस में चलते हैं। तो अभी वापस अपने कोड पर चलते हैं जो कि हमारा है इंडेक्स डॉट जी एस, और हमने यहाँ पे राउट्स दिया है जो कि एग्जैक्ट हमने पाथ दिया है यहाँ पे होम पेज का, और ये हमने कंपोनेंट दिया है हमने स्टैक ओवर फ्लो कंपोनेंट जो कि इंडेक्स डॉट जे एस है। तो इंडेक्स डॉट जे एस में अगर चले अपन तो ये है हमारा इंडेक्स डॉट जे एस कंपोनेंट का, और यहाँ पे हमने इसको एक्सपोर्ट भी किया है साथ में। और ये हमारा स्टैक इंडेक्स और स्टैक इंडेक्स कंटेंट में हमने यहाँ पे साइड बार को ऑलरेडी यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ इशू है, तो इस इशू को हमने यहाँ पे फिक्स करना है अभी। बेसिकली व्हाट आई डू, यहाँ पे क्या है कि भी जो रिएक्ट राउटर डॉम 6 है वो वहाँ पे स्विच भी चेंज हो चुका है, और राउट के अंदर हम वहाँ पे कंपोनेंट्स जैसे हम यूज करते हैं तो उसमें हमने उसको भी अपडेट करके हमने उसको क्या करना है, उसको भी हमने उसको अपडेट भी करना है उसको भी, और इसके जगह हमने इसको एलिमेंट्स यहाँ पे ये लेगा। तो इसमें क्या करता है कि ये एग्जैक्ट न्यू है जो कि अभी स्टेबल है नहीं, तो अभी और भी इसमें मेजर चेंजेस अभी हो रहे हैं। तो अभी मैं जो स्टेबल जो 5.2.0 जो वर्सन है हम उसको यूज करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, और टर्मिनल में हम क्या करेंगे अपन, इसमें बेसिकली हमने जो अभी जो रिएक्ट राउटर डोमेन है उसको हम अनइंस्टॉल करते हैं, और हमने यहाँ पे यूज करते हैं इम्पोर्ट इंस्टॉल करते हैं वर्जन नंबर 5.2.0 को। मैं इसको npm अनइंस्टॉल कर लेता हूँ, अनइंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, एक बार इसको हमने अनइंस्टॉल करना है, और जो इंस्टॉल करना है वो है हमारा 5.2.0, और यहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं इंस्टॉल, और हमने यहाँ पे करना है रिएक्ट राउटर डॉम, रिएक्ट राउटर डॉम, और ये जो वर्जन है 5.2.0 इस वाले वर्जन को हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको हमने यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। तो क्रॉस चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि बेसिकली अभी हम पैकेज डॉट जेसोन में चलते हैं, और पैकेज डॉट जेसोन में हमने वो चीज़ों को क्रॉस चेक करना है। तो ये रहा हमारा पैकेज डॉट जेसोन, और यहाँ पे हमने देखना है जो वर्जन हमने जो इंस्टॉल किया है वो रिएक्ट डॉट, हाँ तो ये एग्जैक्ट इसी वर्जन पे हमने इसको चलाना था, तो ये हमारा 5.2.0 है, हमने इसी पे चलाना है इसको। तो वापस अपने कोड पे चलते हैं अभी एप डॉट जेएस में, और ये जो राउट्स है ना इसको मैं वापस से स्विच ही करता हूँ। तो ये हमारा स्विच, और हम यहाँ पे राउट्स की जगह पे हमने यहाँ पे स्विच को यूज करना है, तो ये हमारा स्विच, इस तरह से ये हमारा है राउट्स की जगह पे हमारा हो गया स्विच। ओके अब ये इसको सेव करते हैं, और इसको सेव करके मैं इसको चला के देखता हूँ, ये ऑब्वियसली चलना चाहिए, ये अभी इशू नहीं आना चाहिए। एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो ये कंपाइल हो रहा होगा अभी, तो एक बार कंपाइल हो जाइए सक्सेसफुली, फिर देखते हैं इसको। आई थिंक ये कंपाइल हो रहा है क्या, लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे कंपाइलिंग, कंपाइलिंग ओके, ये कंपाइल हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है, और ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है। तो सक्सेसफुल कंपाइल होने के बाद ये चीज़ें हमने यहाँ पे शो हुई, और यही चीज़ हमें यहाँ पे दिखाना भी था। तो अभी ये साइड बार के कंपोनेंट्स जो है अभी इसको क्या करना, हमें इसके स्टाइल्स को फिक्स करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको साइड बाय साइड रखते हैं दोनों को, ये हमारा इस तरफ और ये हमारा हो गया। अभी हम वापस से चलते हैं अपने स्टैक ओवरफ्लो वाले में। अब यहाँ पे हमने जो हमारा इंडेक्स डॉट सी एस एस है, हमने यहाँ पे इस इंडेक्स डॉट सी एस एस में हमने स्टाइल को ऐड करना है जो कि हमारा स्टैक ओवरफ्लो के अंदर जो हमारा साइड बार और जो मेन कंपोनेंट है इन दोनों कंपोनेंट्स पे ये जो स्टाइलिंग है वो चलेगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स डॉट सी एस एस है, सपोज मैं अगर वापस अपने सी एस एस वाले फाइल पर फोल्डर पर चलूँ, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं ये जो हमारा इंडेक्स डॉट सी एस एस है फोल्डर ओपन हो जाए एक बार, तो ये है हमारा इंडेक्स डॉट सी एस एस। तो
यहाँ पे जो हमारा ये CSS है इसके अंदर हमें ये चीजें चेंजेस हमें ऐड कर लेनी है। तो जो सबसे पहले हमारा है वो है स्टैक इंडेक्स के बारे में जो मैंने बताया था, तो मैं इसको और छोटा करता हूँ स्क्रीन साइज को थोड़ा सा। ये हमारा स्क्रीन साइज है और छोटा कर दिया मैंने इसको, तो मैं इतना पे रखता हूँ इसको। ये हमारा इसका साइज ओके। अभी हमारा जो इंडेक्स डॉट सी एस एस है मैं इसको नीचे रखता हूँ ताकि ये दोनों साइड बाय साइड मैं कोड भी देखूँ क्लास नेम को। तो ये है हमारा स्टैक इंडेक्स। तो स्टैक इंडेक्स में हमने रखना है और डिस्प्ले को फ्लैक्स, ये हमारा डिस्प्ले है फ्लैक्स। और जो हमने मैक्सिमम हाइट रखा है वो मैक्सिमम हाइट जो है इंडेक्स का, स्टैक इंडेक्स का मैक्सिमम हाइट को रखते हैं 85 व्यू हाइट, ताकि मैं ये नहीं चाहता कि इसमें भी स्क्रॉल लगे, तो ये हाइट को हमने इसको फिक्स कर दिया है। और जो मिनिमम विड्थ होगी वो हमने रखा है जो इसकी साइज होगी उसके, यानी फिट कंटेंट के अकॉर्डिंग जितनी साइज होगी उतना ही ये लेगा ओके। और जो नेक्स्ट है वो स्टैक इंडेक्स कंटेंट। सो स्टैक इंडेक्स कंटेंट जो है तो इसमें हमने क्या करना है, डिस्प्ले को फ्लैक्स कर देता हूँ मैं। और ये डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद मैंने विड्थ को हमने 100% देना है। तो ये हमारा विड्थ है, विड्थ में हमने दे दिया हमने इसको 100%, सेव कर दिया हमने इसको विड्थ को। और जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको हमने सेंटरली, हमने कंटेंट को हमने सेंटर में जस्टिफाई कर लिया ओके। तो ये चीजें हमारी डन हो गई है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टाइलिंग होना है वो होना है साइड बार डॉट सी एस एस के लिए। तो एक इंडेक्स सी एस एस फाइल के अंदर हमने एक और फाइल बनानी है जो होगी साइड बार डॉट सी एस एस के लिए। तो ये है साइड बार डॉट सी एस एस के लिए ओके। और हमारा यहाँ पे ऊपर साइड बार ओपन कर लेते हैं साइड बार डॉट जे एस। और यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको इम्पोर्ट करना है, तो सबसे पहले इसको हम इम्पोर्ट कर लेते हैं साइड बार डॉट सी एस एस को। तो इम्पोर्ट सी एस एस फ्रॉम साइड बार डॉट सी एस एस, ये सी एस एस है, ये रहा हमारा साइड बार डॉट सी एस एस। इसको सेव करते हैं अपन ओके। तो ये हमारा साइड बार डॉट सी एस एस। साइड बार डॉट सी एस एस में सपोज हमने ऐसा डिजाइन देना है जो जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिप्लॉय कर रखा है, तो मैं उसको दिखाता हूँ एक बार। तो ये हमारा ऑलरेडी जो हमने इसको डिप्लॉय कर रखा है उस पर इस तरह के हमें साइड बार, बेसिकली हमने इस तरह से हमने साइड बार को हमने डिजाइन करने हैं। तो उसी तरह से हमने अपने इस साइड बार को यहाँ पे हमने इसको डिजाइन करने पड़ेंगे। तो इसको स्टाइल यहाँ पे ऐड करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो क्लास है वो है साइड बार क्लास। तो साइड बार क्लास है तो मैं यहाँ पे रखता हूँ साइड बार क्लास। और साइड बार क्लास में सबसे पहले हमने डिस्प्ले को दिया है फ्लैक्स और पैडिंग देते हैं यहाँ से हमने टॉप से हमने पैडिंग दिया है 20 पिक्सल, लेफ्ट से 0, राइट से 10 और बॉडम से 10 पिक्सल। तो ये हमारा साइड बार का हो गया। जिसकी हाइट है वो हमने हाइट को रखा है 100% हाइट। और जो इसकी विड्थ है या फिर जो हमने फ्लेक्स देना है वो फ्लेक्स रखता हूँ 0.5, मतलब कि 50% ऑफ स्क्रीन साइज इस तरह से। और जो मैक्सिमम विड्थ है, मैक्सिमम विड्थ वो देता हूँ मैं मैक्सिमम विड्थ को 200 पिक्सल। 200 पिक्सल हो गया इसका मैक्सिमम विड्थ। तो मतलब कि फ्लेक्स 0.5 और जो मैक्सिमम विड्थ है 200 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होगा। और उसमें जब भी होगा वो फ्लेक्स जो है वो एक्सपेंड होगा 0.5% तक ही, 0.5 तक ही। और जो बॉर्डर देता हूँ मैं यहाँ पर राइट में, तो बॉर्डर राइट और बॉर्डर राइट में देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड एंड ये मैं देता हूँ लाइट ग्रे जो कि DDD इस तरह से। ये हमने साइड बार पे हमने एक बॉर्डर हमने यहाँ पे लगा दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है साइड बार कंपोनेंट, साइड बार कंटेनर। ये हमारा साइड बार ये हमारा हो गया कंटेनर। तो कंटेनर के लिए ये हो गया कंटेनर क्लास, साइड बार कंटेनर क्लास। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ ताकि ये अच्छे से व्यू हो सके। और साइड बार कंटेनर क्लास के अंदर अगर देखे तो हमारे पास दो क्लासेज है, एक है ऑप्शंस के लिए और एक है हमारा ऑप्शन। तो सबसे पहले तो इसके मार्जिन स्पेसिफाई करो, एक एक दोनों चिपके हुए हैं। तो मैं मार्जिन में टॉप से रखा हूँ 0, टॉप से रखा हूँ मैं 10 और लेफ्ट से रखा हूँ 0। डिस्प्ले को हमने रखा है इसमें फ्लैक्स। और जो इसकी विड्थ है, विड्थ मैंने फुल विड्थ रखा हूँ, जो भी इसके पेरेंट का विड्थ है वो 100% विड्थ लेगा। उसी तरह से ऑप्शंस में भी हम डिजाइन कर लेते हैं इसी तरह से साइड बार ऑप्शंस के लिए। ये हमारा साइड बार
और ये है साइड बार ऑप्शंस, ये हो गया हमारा साइड बार ऑप्शंस। पहले भी डिस्प्ले को फ्लेक्स, फ्लेक्स के डायरेक्शन को हमने रखा इसको कॉलम, और जो हमारा विड्थ होगा वो होगा मैक्सिमम 200 पिक्सल रखा था तो वो पूरा का पूरा विड्थ लेगा जो कि हमारा होगा 200 पिक्सल। ओके गॉट इट। ओके उसके बाद हमारा जो साइड बार ऑप्शन है, तो एक एक साइड बार ऑप्शन के लिए हमने यहाँ पे विड्थ, एक साइड बार ऑप्शन के लिए हमने इसको स्टाइलिंग करनी है अभी। तो ये हमारा साइड बार ऑप्शन, अब ये हमारा साइड बार ऑप्शन, इसको मैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, नीचे मैं इसी को पेस्ट कर देता हूँ। और ये है हमारा ऑप्शन के लिए, ऑप्शन में भी सेम उसी तरह से डिस्प्ले को फ्लेक्स रखना है, फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम रखना है। इसमें मैं मार्जिन सेट कर सकता हूँ, तो मार्जिन मैं यहाँ पे दे देता हूँ मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल हर एक के, और विड्थ को हटाता हूँ, विड्थ मैंने ऑलरेडी क्योंकि स्पेसिफाई कर दिया है तो विड्थ को मैंने यहाँ पे हटा दिया। ओके ये थोड़ा फॉन्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो फॉन्ट के साइज को मैं रखता हूँ 14 पिक्सल इतना। ओके अभी जितने भी एंकर जो यहाँ पे अंडरलाइंड हमें आइकन दिख रहे हैं तो उसको मैं एंकर टैग को मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट जहाँ का भी एंकर है सभी का टेक्स्ट डेकोरेशन मैं रखता हूँ डन, और जो इसके कलर है कलर को मैं रखता हूँ RGBA के फॉर्म में, और RGBA में मैं करता हूँ इसको हल्का सा ब्लैकिश, फेंट ब्लैकिश कलर, और 0.5 देता हूँ मैं। और ये हो गया हमारा एंकर के लिए, जितने भी एंकर है जो कि लिंक लिंक टैग के अंदर होंगे उसके लिए। ओके अभी इस पे मैं एक होवर इफेक्ट डालता हूँ जैसे एंकर पे, तो ये हमारा हो गया होवर इफेक्ट। होवर करने पे मैं इसके कलर को मैं कर दूंगा मैं इसके कलर को कर दूंगा एक्सट्रीम ब्लैक, जो कि हमारा ये है एब्सोल्यूट ब्लैक कलर। ओके एंड नेक्स्ट हमारे पास साइड बार ऑप्शन है, और साइड बार ऑप्शन के अंदर दो चीजें है, एक हमारा पी टैग और है हमारा एक क्लास जो कि है लिंक, जैसे ये साइड बार ऑप्शन है उसके अंदर ये है हमारा पी टैग, कहीं कहीं पे साइड बार ऑप्शन के अंदर जहां पे भी पी टैग है, अगर मैं देखूं एक सेकेंड मैं दिखाता हूं आपको, जो पी टैग है साइड बार ऑप्शन के अंदर वो है हमारा कहाँ पे है, ये रहा हमारा पी टैग। तो इस पी टैग को सबसे पहले हम थोड़ा सा और स्टाइल करते हैं, तो हमारे यहाँ पे है हमारा साइड बार ऑप्शन, साइड बार ऑप्शन के अंदर है हमारा पी टैग, इसके कलर को थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं और सेम कलर ही यूज कर लेते हैं इसके जैसा, और इसके फॉन्ट साइज को हम यहाँ पे क्या करते हैं फिक्स कर देते हैं 14 पिक्सल पे। उसी तरीके से जो लिंक और लिंक टैग की क्लास है तो उसको हम ले लेते हैं, तो हमारा ये है लिंक टैग, इसको भी हमने करा है डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स क्योंकि उसके अंदर भी हमारे पास ऑप्शंस है, तो मैं वहाँ पे फ्लेक्स का यूज कर रहा हूँ और फ्लेक्स डायरेक्शन को रख रहा हूँ यहाँ पे कॉलम। ओके उस तरह से नेक्स्ट हमारे पास लिंक टैग क्लास है, तो ये है लिंक और ये है हमारा टैग, लिंक टैग क्लास है, लिंक टैग क्लास में हमने डिस्प्ले को रखा है फ्लेक्स, एलाइन आइटम्स को रखा है हमने सेंटर, एलाइन आइटम्स को हमने रखा है यहाँ पे सेंटर, और पैडिंग को हमने रखता है 5 पिक्सल टॉप से और 0 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट से, और जो विड्थ है वो विड्थ में पूरा विड्थ यूज करूंगा, सो विड्थ मैं यहाँ पे देता हूँ 100%। सेम उसी तरह से लिंक टैग पे होवर करने के लिए हमने यहाँ पे लिंक टैग पे होवर पे हमने डाला है, तो होवर पे हमारे पास क्या है बॉर्डर राइट, बॉर्डर हमने बॉर्डर राइट स्पेसिफाई करना है जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो में ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली होता है, तो मैं इसमें बॉर्डर में देता हूँ 5 पिक्सल का बॉर्डर राइट में, और जो कलर होगा वो होगा वेरी स्टैक ओवरफ्लो का जो कलर है उसमें कलर, तो ये जो कलर है स्टैक ओवरफ्लो का वो है 245 162 162 एंड 9, ये स्टैक ओवरफ्लो का कलर, तो ये कलर हमने यहाँ पे देना है जब भी हम इस किसी लिंक पे होवर करते हैं। तो अगर मैं अभी देखूँ तो ये जैसे हमारा ये है, तो जैसे हमने इस पे होवर किया तो ये देखो इस तरह से, तो ये हमने यहाँ पे ये हमने देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है ये वाला कंप्लीट। अभी नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा एम आइकन पे, तो आइकन को भी थोड़ा सा और रिफाइन करना है, तो आइकन हमारा कहाँ पे है वो है लिंक टैग के अंदर, तो ये हमारा लिंक टैग के अंदर है हमारा MUI मटेरियल आइकन डॉट, तो ये है हमारा MUI SVG आइकन और ये हमारा रूट। फॉन्ट साइज को हमने इसको भी सेम ही रखना है 14 पिक्सल जो कि हमारा टेक्स्ट का है,
थोड़ा सा टेक्स्ट में 18 है तो इसको मैं 14 की जगह 18 कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखे। राइट से हमने मार्जिन दिया है, मार्जिन राइट मतलब कि टेक्स्ट से चिपका ना रहे, तो ये 5 पिक्सल का मैंने दिया है। और जो कलर है वो कलर हमने सेम रखता हूँ मैं इसके लिए भी, ये वाली कलर। ओके ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो है टैग्स के लिए। तो ये हमारा टैग्स है, टैग्स में हमने यहाँ पे दिया डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स, जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो है कॉलम। ओके, फ्लेक्स डायरेक्शन है कॉलम। अभी जो हमारा टैग्स है, ये दोनों टैग्स ये स्टाइल्ड नहीं है, तो इन दोनों टैग्स को हम यहाँ पर स्टाइल देते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा स्टाइल इसका। ये टैग्स है हमारा, ये क्लास नेम है हमारा टैग्स के लिए, तो यहाँ पे उसके अंदर भी पी टैग्स है, तो इसके इसको थोड़ा सा और स्टाइल करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टाइल बिगड़ रहा है इसका। तो टैग्स में हमने यहाँ पे डिस्प्ले को फ्लेक्स दिया, फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम दिया, और इसके कलर को मैं यहाँ पे डालता हूँ। कलर को क्या यूज कर सकते हैं, RGBA रखता हूँ मैं इसको, और इसी को यूज कर लेता हूँ इसी के कलर को। और मार्जिन देता हूँ मैं यहाँ पे, मार्जिन देता हूँ टॉप से 0 पिक्सल जबकि लेफ्ट से 20 पिक्सल का। तो ये थोड़ा सा राइट में शिफ्ट होगा, ये अभी ये शिफ्ट हो चुका है राइट में। और जो नेक्स्ट है हमारा मतलब पी टैग पे, तो पी टैग पे जो टैग्स का, टैग्स के अंदर जो पी टैग है उस पर मैं मार्जिन देता हूँ यहाँ पे टॉप से 5 पिक्सल लेफ्ट से 0 पिक्सल इस तरह से। और अगर इस पर होवर होता है तो होवर का भी इफेक्ट डालता हूँ कि अगर टैग्स के अंदर पी है और इस पर अगर होवर करते हैं, होवर करने पर जो कलर है वो एब्सोल्यूट पीच ब्लैक कलर हमने यहाँ पे प्रोवाइड करनी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसका इसको भी डन कर लिया है। तो हमारा ये डिजाइन कंप्लीट हो चुका है हमारा साइड बार का। तो ये देख सकते हैं हमारा साइड बार का डिजाइन पूरा कंप्लीट हो चुका है, और ये इस तरह से दिख रहा है अभी। ये इसलिए सेंटर में दिख रहा है क्योंकि जो हमने मेन कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट में हम जब यहाँ पे विड्थ और ये सारी चीजें स्पेसिफाई करेंगे तो ये चीजें हमारी फिक्स हो जाएगी। तो ये हमारा यहाँ से ये कंप्लीट हो चुका है साइड बार कंपोनेंट। अब हम चलते हैं मेन कंपोनेंट पे, और मेन कंपोनेंट पे क्या क्या कॉन्टेंट्स है उसको एक बार हम देखते हैं। तो अगर यदि हम अपने रिएक्ट ऐप पे चले, मतलब जो डिप्लॉयड एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा मेन कंपोनेंट। यहाँ पे हमने क्या यूज कर रहे हैं, हमने यहाँ पे क्वेश्चन का नेम है, उसमें हमने एक बटन है बेसिकली जो कि क्वेश्चन को आस्क करने के लिए एक बटन है। उसके बाद हमने क्वेश्चन को कब आस्क हुआ वो है, एक्टिव है, व्यूड टाइम है, अप वोट, डाउन वोट, बुक मार्क, और यहाँ पे रिपीट है। देन यहाँ पे क्वेश्चन की पूरी बॉडी है। उसके बाद नेक्स्ट जो नीचे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमने जिस यूजर ने इस क्वेश्चन को आस्क किया है वो है, और कौन सी यूजर ने आस्क किया है उसका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे एक कमेंट ऐड करने का एक सेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट अगर नीचे देखें तो हमारे पास एक आंसर्स का सेक्शन है। सेम उसी तरह से आंसर्स के लिए हमने यहाँ चीज़ें ऐड कर रखी है, और हमने हमारे पास नीचे एक आंसर्स के लिए एक हमारे पास रिच टेक्स्ट एडिटर भी ओपन है। ये पूरा का पूरा हमारा है मेन कंपोनेंट। तो मेन कंपोनेंट बनाना इंपॉर्टेंट है, तो मेन कंपोनेंट हमें यहाँ पे सही से बिल्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है और थोड़ा सा बड़ा होने वाला है मेन कंपोनेंट। तो चलिए इसको हम मेन कंपोनेंट को अब यहाँ पे बिल्ड करते हैं जब तक की। तो अपन चलते हैं वापस से अपने मेन डॉट जेएस में। तो ये है हमारा मेन डॉट जेएस। ओके, मेन डॉट जेएस में अभी क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वेरी फर्स्ट मतलब कि जो ये हमारा टॉप का जो सेक्शन है, ये जो साइड जो नीचे बार दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल बार दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये वाला बॉर्डर जो दिख रहा है, ये इसके ऊपर तक का हमें ये चीजें को अभी पहले एक बार करना है, और इसके स्टाइल्स और ये सारे बटन इन सभी चीजों को इम्प्लीमेंट पहले करना है। देन उसके बाद हम नीचे नीचे एक एक स्टेप को यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले हम मेन डॉट जेएस पे चलते हैं। मेन डॉट जेएस में हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ डिव को, ये जो क्लास है यहाँ पे, और जो हमने स्क्रैप करके हटाना है पहले यहाँ पे जो कुछ भी हमने टेस्टिंग के लिए यूज किया था। ओके, मेन के लिए हमने यहाँ पे क्लास दे दिया है मेन क्लास, और इसी को मैं क्या करता हूँ, इसी डिव को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ पूरे एज इट इज, और मेन के अंदर होगा हमारा मेन कंपोनेंट इस तरह से। तो मेन के अंदर हो गया हमारा मेन कंटेंट, और मेन कंटेंट ओके, या फिर इसको मैं कर सकता हूँ कंटेनर, मेन कंटेनर। और मेन कंटेनर पे तीन सेक्शन है, एक है हमारा मेन का टॉप, मेन का मिडिल, और मेन का बॉटम सेक्शन। तो मैं यहाँ पे सेम उसी तरह से मेन के कंटेनर के कंटेनर में हमारे पास है मेन कंटेनर, और उसके अंदर है मेन का टॉप, और टॉप के अंदर है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर देखूं
मेन का जो हमारा टॉप है यहाँ पे, ये है क्वेश्चंस का सेक्शन, ये बेसिकली ओके यहाँ पे है क्वेश्चन का सेक्शंस और ऑल क्वेश्चंस है यहाँ पे। और ये जो हमारा हेड हेडिंग है यहाँ पे है आस्क क्वेश्चन, और यहाँ पे हम यहाँ से क्वेश्चन को सिंपली आस्क कर सकते हैं। ये जो हमारा है वो है मेन मेन सेक्शन इस तरह से। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर बिल्ड करनी है अभी, तो इसको हमें बिल्ड करना है अभी। ये बेसिकली ये है मेन कंपोनेंट, जो ये जो दिख रहा था ये पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन का कंपोनेंट, ये तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का कंपोनेंट है। मेन कंपोनेंट जो है वो है हमारा ये वाला, ये हमारा मेन कंपोनेंट। यहाँ पे ऑल क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पर फिल्टर के लिए न्यूएस्ट एक्टिव मोर फिल्टर का ये ऑप्शन है, यहाँ पर आस्क क्वेश्चन है, और इस तरह से ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन हो गया इस तरह से। तो अभी हमने इसको इसको बिल्ड करना है अभी यहाँ पे, तो ये हमारा मेन कंपोनेंट है बेसिकली, तो हमने इसी को बिल्ड करना है अभी यहाँ पे। मेन कंपोनेंट का टॉप है, टॉप सेक्शन को अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे टॉप सेक्शन पे एक H2 टैग है, तो H2 टैग रखते हैं यहाँ पे। H2 टैग के अंदर मैंने क्या रखा है, ऑल क्वेश्चंस रखना है, तो ये रहा हमारा ऑल क्वेश्चंस। ओके नेक्स्ट है हमारा ऑल क्वेश्चंस है, उसके बाद हमारे पास एक बटन है, तो उसको मैं क्या करता हूँ लिंक में रखता हूँ बटन को, है ना, ताकि हमें उसको आस्क क्वेश्चन वाले पेज पे ले जाए जब भी मैं अगर आगे इसको बिल्ड करूँगा। ये हमारा लिंक हो गया, और लिंक को हमें इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट राउटर डॉम से, और हमने यहाँ पे लिंक में अभी बाद में स्पेसिफाई करेंगे कौन से पाथ पे हमने इसको लिंक करना है। इसके अंदर हमें क्या करना है, एक बटन बनाना है, तो ये हमारा हो गया बटन इस तरह से, ये हमारा हो गया बटन, ये हो गया हमारा बटन। ओके नेक्स्ट जो है वो है हमारा आस्क बटन, आस्क क्वेश्चन सॉरी, ये जो बटन के अंदर जो होगा वो होगा आस्क क्वेश्चन इस तरह से। ओके उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन पार्ट अगर देखें तो हमारे पास मेन टॉप है, मेन टॉप के अंदर हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन पार्ट है। डिस्क्रिप्शन पार्ट कम्स में क्या है कि कितना सा कितना क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन की लेंथ है। तो ये हमने अगर मैं सपोज मैं एक बार पेस्ट ही कर लूँ सीधा, जो कि हमने ऑलरेडी कॉपी किया है, तो ये हमारा मेन का डिस्क्रिप्शन पार्ट, ये हमारा मेन का डिस्क्रिप्शन पार्ट। और डिस्क्रिप्शन पार्ट में हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन पार्ट में हमारे पास एक पी टैग होगा, पी टैग में हमने यहाँ पे क्वेश्चन के लेंथ को हमें मेजर करना है, जैसे कि 10 क्वेश्चंस और 15 क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस लेंथ ऑल क्वेश्चंस बेसिकली ऑल क्वेश्चन स्टैट। ओके ओके तो हमने यहाँ पे इसको कर लिया। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन है, तो न्यूएस्ट है, एक्टिव है, मोर है, और ये फिल्टर का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे एक और डिव रखता हूँ इसके लिए, या फिर इसी इसी के अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एक डिव का, और ये है हमारा मेन फिल्टर का, ये हो गया हमारा मेन फिल्टर। और फिल्टर के अंदर है डिफरेंट टैब्स, तो टैब्स के लिए भी मैं यहाँ पे रखता हूँ मेन टैब्स करके एक, और मेन टैब्स के अंदर तीन अलग अलग टैब है, ये हो गया मेन टैब इस तरह से। और मेन टैब है, मेन टैब के अंदर हमने यहाँ पर न्यूएस्ट है, एक्टिव है, ओके तो मेन टैब जो पहला वाला है वो है, उसको भी हमने लिंक में रखना है, क्योंकि ये अभी हमारा लिंक में जाएगा, और ये हमारा लिंक में है, लिंक में हमने इसको रखना है, उसको रखना है न्यूएस्ट न्यूएस्ट। उसी तरह से दूसरा मेन टैब होगा, तो सेम ही डिव को कॉपी कर लेता हूँ मैं, और इसको मैं पेस्ट करता हूँ दूसरा जो कि एक्टिव के लिए, और ये तीसरा हो गया हमारा मोर के लिए, ये है हमारा एक्टिव के लिए, ये रहा हमारा एक्टिव के लिए, ये रहा हमारा मोर के लिए। तो इस तरह से हमने ये तीनों को तीनों टैब को हमने यहाँ पे कर लिया। जो लास्ट वाला है वो है हमारा फिल्टर आइटम के लिए, है ना, जो लास्ट है वो हमारा है फिल्टर आइटम के लिए। तो फिल्टर आइटम के लिए हमने एक और डिव रखा है यहाँ पे। ओके और ये हमने रखा है मेन टैब, मेन फिल्टर आइटम इस तरह से। अभी यहाँ पे मैं यूज करूँगा मटेरियल यूआई का फिल्टर लिस्ट आइकॉन, सो ये हमारा फिल्टर लिस्ट, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया है मटेरियल यूआई से। और जो नीचे यहाँ पे है वो मैं यहाँ पे रखता हूँ पी टैग, ओके इसको रखता हूँ मैं पी टैग इस तरह से। ये हो गया हमारा पी टैग में हमने इसको रखना है न्यूएस्ट की जगह पे फिल्टर, ये रहा हमारा फिल्टर इस तरह से।
तो ये हमारा हो गया फिल्टर इस तरह से। और उसके बाद हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस के लिए हमने एक अलग ही कंपोनेंट में बना लेता हूँ क्वेश्चंस के लिए, ऑल क्वेश्चंस के लिए। तो वो कंपोनेंट, वो उस कंपोनेंट में हमने इसको डिफाइन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिव और तैयार करता हूँ, जैसे ये जो डिव क्लोज हो रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक इसमें एक डिव और बना लेता हूँ, जो कि होगा हमारा क्वेश्चंस का डिव। इसमें क्या होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन का एक मैं अलग ही कंपोनेंट रखता हूँ इस क्वेश्चंस में। और यहाँ पे एक और डिव मैं पेस्ट करता हूँ इधर, इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चंस होंगे और इसका एक डिव होगा। और मैं यहाँ पे उसके क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे सिंपली कॉल कर सकता हूँ ऐसे। ये हमारा ऑल क्वेश्चंस कंपोनेंट, ऑल क्वेश्चंस कंपोनेंट। तो अभी हम क्या करते हैं, एक ऑल क्वेश्चंस कंपोनेंट एक हमने यहाँ पे बिल्ड कर ही लेते हैं। तो ये हमने मेन के अंदर ही बिल्ड कर लिया है ऑल क्वेश्चन कंपोनेंट को ना। तो मेन के अंदर ही हमने यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, ऑल क्वेश्चंस डॉट js। और इसको भी सेम उसी तरह से हमने इसको इसको भी हमने इसी तरह से सेम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम React फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ में यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको भी सेव कर लेते हैं और अपने वापस से मेन डॉट js में जाते हैं और इसको हम यहाँ से हमने इसको इम्पोर्ट कर लेना है। तो हम इसको यहाँ से इम्पोर्ट कर लेते हैं। ओके फाइन। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा हमारा मेन ये क्वेश्चंस को ऐड करने का। तो अभी क्वेश्चंस को ऐड नहीं करते, पहले हम जो इस पे स्टाइल कर लगाने हैं उस स्टाइल्स को हम पहले यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम नीचे क्वेश्चंस को ऐड कर लेंगे और क्वेश्चंस के कंपोनेंट को भी हम यहाँ पे दिखा रहे होंगे। तो ये चीजें हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं। ये हमारा ये एक बार कंपाइल हो जाए, ये कंपाइल हो रहा है अभी, कंपाइल होता है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर CSS ऐड करना है बेसिकली, और तो कुछ नहीं करना। और यहाँ पर क्वेश्चंस ऑलरेडी ऐड हो ही रहे हैं ना, क्वेश्चंस के लिए हम अलग से इसका हमने वो रखा ही है वो चलाने के लिए। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अभी हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे स्टाइल्स ऐड करनी है, देन स्टाइल्स ऐड करके हम इसको इस चीज़ को भी हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे फिक्स कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे चलते हैं अभी CSS वाले फोल्डर में। तो अगर अभी देखें CSS वाला फोल्डर जो है हमारा, उसमें एक इंडेक्स डॉट CSS है और एक साइड बार डॉट CSS है, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और यहाँ पे हमें एक और फाइल बनानी है जो कि है मेन डॉट CSS करके, और एक होगा फाइल जो कि ऑल क्वेश्चंस डॉट CSS करके। तो ये दो फाइलें यहाँ पे हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है। अभी जो मेन डॉट CSS है ये हमारा मेन डॉट, इसमें तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मेन डॉट CSS को पहले इम्पोर्ट करता हूँ, देन हम इसको यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा मेन डॉट CSS, ओके ये हमारा मेन डॉट CSS। अब आते हैं अपने मेन डॉट CSS फाइल, CSS फाइल में। अभी मेन डॉट CSS फाइल में जो जो स्टाइल्स हमें इम्प्लीमेंट करने हैं वो सारे स्टाइल्स हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे मेन डॉट CSS में। तो सबसे पहले जो हमारा क्लास नेम है वो है मेन, तो ये रहा हमारा मेन, ओके। और मेन क्लास नेम में सबसे पहले हम इसको डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्स रखते हैं, ये मैंने फ्लेक्स बॉक्स ही सब जगह रखा है। और पैडिंग है वो हम रखते हैं यहाँ पे टॉप से 30 पिक्सल का और लेफ्ट से 10 पिक्सल का, और जो इसकी फ्लेक्स है वो रखता हूँ मैं 0.75, ओके फ्लेक्स 0.75। और जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो हमने रखा है इसका कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन जो रखा है हमने इसको रखा है कॉलम इस तरह से। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हमारे जो पैडिंग रखी है वो हमने रखी है 30 पिक्सल की पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट, सॉरी फ्रॉम टॉप, और 10 पिक्सल की पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट। तो ये हमारा एक्चुअल ये जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल इस तरह से हमारी चल रही होंगी, ओके। अभी जो नेक्स्ट है वो है हमारा मेन कंटेनर। तो मेन कंटेनर पे चलते हैं। मेन कंटेनर में भी सेम हमने ऐसे ही ऐड करना है, जो डिस्प्ले हमने वैसे ही फ्लेक्स देना है। ये हमारा मेन, ये हमारा हो गया कंटेनर। अभी हमने यहाँ पे डिस्प्ले देना है फ्लेक्स, और जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो क्या हमारा कॉलम, और जो विड्थ है वो हो गया 100% विड्थ। ये हो गया हमारा नेक्स्ट जो है हमारा मेन टॉप है,
नेक्स्ट जो है वो हमारा क्लास है मेन टॉप की, मेन मेन टॉप। ओके अभी जो मेन टॉप क्लास है वो उसको अभी एक बार देखते हैं। मेन टॉप क्लास के अंदर हमारे पास एच टू टैग है, तो मेन टॉप में सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देना है वो सेम उसी तरह से डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स विड्थ जो है वो हमने देनी है 100%। अलाइन आइटम्स, ऑल आइटम्स को अलाइन करना है हमें सेंटरली, और जो जस्टिफाई कंटेंट्स रखना है वो रखना है स्पेस बिटवीन, ताकि वो दोनों के दोनों एक एक्सट्रीम एंड पे हो। और जो मार्जिन देना है वो मार्जिन हम दे सकते हैं बॉटम पे मार्जिन, ओके सही है, मार्जिन बॉटम रखते हैं 10 पिक्सल का, ये ठीक है। इसी तरह से एच टू टैग पे हम यहाँ पे स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं, तो एच टू के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मेन टॉप के अंदर, ये हमारा मेन टॉप है, मेन टॉप के अंदर हमारे पास ये है एच टू टैग, ये एच टू टैग है। फॉन्ट जो वेट है वो रखा हमने 400, फॉन्ट वेट रखा है 400 का। फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं यहाँ पे 25 पिक्सल का, और जो कलर है वो रखते हैं RGBA 0.0.0.8 इस तरह से, ये हमने रख दिया। ओके तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट जो है वो हमारा बटन, बटन को हमें रखना है इस तरह से, जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो में बटन को स्टाइल करके रखा गया है स्टैक ओवरफ्लो में, तो इस तरह से हमने इस बटन को हमने यहाँ पे रखा है, तो ऐसा ही हम यहाँ भी बटन को अपना रख लेते हैं जैसे कि क्वेश्चंस को आस्क करने के लिए। तो जितने भी बटन होंगे, जहाँ जहाँ भी बटन होंगे, मैं उस पर एक यूनिवर्सल डिजाइन रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ पैडिंग जो देना है बटन का, वो पैडिंग मैं रखता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल का। बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर को हमने रखना है, मैं यहाँ पे हेक्स कोड यूज कर रहा हूँ 95FF, ये हो गया बैकग्राउंड कलर बटन के लिए। जो इसकी कलर होगी वो होगी एक्सट्रीम वाइट, जो कि हमारा ये है एब्सोल्यूट वाइट। जो बॉर्डर है वो बॉर्डर हम रख सकते हैं 2 पिक्सल का, और सॉलिड होगा बॉर्डर, और यहाँ पे होगा ये भी हेक्स कोड रखते हैं यहाँ पे बॉर्डर में 7CD446, ये हमारा है बॉर्डर के लिए। अभी जो नेक्स्ट है, अभी इसमें आउटलाइन भी हमें कुछ नहीं देना, तो ये हमारा हो गया आउटलाइन, आउटलाइन को करते हैं नन, और यहाँ पे बॉर्डर के रेडियस को रखते हैं 3 पिक्सल, ताकि वो ताकि उसके जो बॉर्डर हो थोड़ा सा स्मूथ हो, जो उसके कॉर्नर्स हो वो, और जो कर्सर है वो हमने रखा है पॉइंटर का, कर्सर जो रखा है वो रखा हमने पॉइंटर का। तो ये हमारा डन हो चुका है बॉर्डर और ये बटन के साथ में। अभी नेक्स्ट जो है वो हमारा मेन डिस्क्रिप्शन है, अगर मैं देखूँ तो बटन, बटन के बाद हमारे पास आता है मेन डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे क्वेश्चंस के स्टैट्स हैं, जो ये है हमारा मेन डिस्क्रिप्शन। तो ये मेन डिस्क्रिप्शन के लिए ऐड करते हैं, ये हमारा मेन, और ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन, ये हमारा मेन डिस्क्रिप्शन। मेन डिस्क्रिप्शन में हमने यहाँ पर रखा है डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स, फ्लेक्स रिडक्शन को हम रखते हैं यहाँ पर रो, रो वाइज, और हमने अलाइन आइटम्स को रखा है सेंटर। उसी तरह से फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ फॉन्ट साइज REM में थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव होगा, 1.1 REM रखा है हमने। जो कलर है वो कलर मैं रखता हूँ यहाँ पे RGBA में, और जो हमने अभी यूज किया उसी कलर को यूज कर लेते हैं, इसको सेव करता हूँ मैं। जस्टिफाई कंटेंट को रखता हूँ मैं स्पेस बिटवीन, ताकि एक्सट्रीम एक्सट्रीम एंड पे हो दोनों के दोनों, तो ये मैंने रखा है यहाँ पे मेन डिस्क्रिप्शन में। जो जस्टिफाई कंटेंट है वो रखा हमने यहाँ पे स्पेस बिटवीन। ओके अभी जो नेक्स्ट है वो हमने यहाँ पे पैडिंग देना है, तो मैं चलो यहाँ पे पैडिंग देता हूँ। पैडिंग जो होगा वो रखते हैं हम यहाँ पे टॉप से 0 पिक्सल, लेफ्ट से 0 पिक्सल, बॉटम से 10 पिक्सल, और राइट से 0 पिक्सल। ओके नेक्स्ट उसके बाद हमने यहाँ पे देना है मार्जिन टॉप, ये हमारा मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप देते हैं यहाँ पे 10 पिक्सल का। ओके तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। अभी हमारा जो है वो है नेक्स्ट हमारा फिल्टर के लिए, तो मेन डिस्क्रिप्शन है, मेन डिस्क्रिप्शन में इसलिए नहीं इम्प्लीमेंट हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे DESC होना चाहिए था, मैंने यहाँ पे लिखा था DEC, ये मेन डिस्क्रिप्शन हो गया। अभी हमने इसको सेव कर दिया, ये अभी एक बार रिफ्रेश हो जाए पेज, आई थिंक कंपाइल हो रहा होगा, आई थिंक ये एक बार कंपाइल होने देते हैं इसको पहले सक्सेसफुली, और ये हो चुका है कंपाइल। अभी देखते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। अब जो हमारा मेन डिस्क्रिप्शन है, तो ये चीज़ें तो ऑलरेडी हमारी सही जगह पे आ गई है, अभी इस ये तीनों चीज़ें बिगड़ रही है, तो इसको हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं।
तो जो हमारे पास क्या है नेक्स्ट, हमारे पास मेन फिल्टर टैब्स, मेन फिल्टर और मेन फिल्टर टैब्स। तो ये हमारा मेन फिल्टर है, तो मैं यहाँ पे मेन फिल्टर क्लास को पिक कर लेते हैं अपन। तो ये हमारा हो गया मेन फिल्टर क्लास। ओके, अभी मेन फिल्टर क्लास के अंदर हम क्या करना है, हमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले को फ्लेक्स देना है और आइटम्स को हमने सेंट्रली अलाइन करके रखना है ताकि वो रो वाइज हो और वो सेंट्रली अलाइंड हो। सेम उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, मेन टैब्स के लिए, जो मेन टैब्स है हमारा, मेन टैब्स के लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स रख सकते हैं, डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स। और जो बॉर्डर है वो बॉर्डर हम दे सकते हैं 1 पिक्सल का और सॉलिड। और जो वो कलर होना चाहिए वो RGBA कलर, RGBA के फॉर्म में ही देते हैं RGBA। और यहाँ पे 0.8 की जगह पे मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 0.4। ओके, मार्जिन राइट जो है, मार्जिन राइट में देता हूँ यहाँ पे 20 पिक्सल का मार्जिन राइट। और जो बॉर्डर रेडियस है वो 3 पिक्सल का, ये हमारा बॉर्डर रेडियस है 3 पिक्सल का, ये हमने इसको सेव कर दिया। ओके, तो ये थोड़ा सा अभी अट्रैक्टिव दिखेगा थोड़ा सा। अभी हमने जो एक एक टैब को हमने स्टाइल करना है, ये पूरा टैब्स के लिए था, अभी हमने एक एक टैब्स को रखना है। तो ये हमारा मेन टैब्स, ओके, ये रहा हमारा मेन टैब इस तरह से। अभी मेन टैब के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो हम पैडिंग देते हैं, 5 पिक्सल का एवरीवेयर, मतलब हर जगह से पैडिंग 5 पिक्सल का। और जो बॉर्डर राइट है, बॉर्डर राइट मैं देता हूँ यहाँ पे, या फिर ऐसे ही थोड़ा सा बेटर दिख रहा है तो बॉर्डर देने की जरूरत नहीं है राइट में, इसको रहने देते हैं। अभी जो मेन टैब के अंदर जो एंकर एलिमेंट है वो, फिर या फिर जो हमारा फिल्टर आइटम है, सबसे पहले मेन फिल्टर आइटम को पहले फिक्स करते। तो मेन फिल्टर और इसके अंदर आइटम डिस्प्ले, इसको रखते हैं फ्लेक्स, पैडिंग 10, पैडिंग 5 पिक्सल, सेम इसी तरह से पैडिंग 5 पिक्सल। जो बॉर्डर है वो हम देते हैं यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड। और जो कलर है वो जो हमने ऊपर यूज किया है हमने 00, और ये वाला कलर ना बॉर्डर का हमने ये कलर दे दिए हैं। बॉर्डर का रेडियस, बॉर्डर रेडियस सेम 3 पिक्सल, जो कि हमने जैसा बटन के लिए रखा है वैसा ही हमने रखता है इसको भी। बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर यही वाला बैकग्राउंड कलर यूज के लिए। फॉन्ट साइज को हमने इसमें स्मॉल दे दिया है, स्मॉल ले लेगा फॉन्ट साइज। और आइटम्स को हमने सेंट्रली अलाइन करना है हमने आइटम्स को, तो ये हमारा आइटम्स हो गया सेंटर में अलाइंड। और इस तरह से हमने आइटम को सेंट्रली अलाइन कर दिया है। उसके कलर को भी हम चेंज कर, कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो कलर को हमने यहाँ पे रखा है 007 CD4। तो ये हमारा हो गया कलर। तो इसके कलर हमने, ये इस तरह से हमने कलर दिखेंगे। और ये हमारा हो गया कर्सर, तो ये हमारा हो गया कर्सर, कर्सर तो ऑब्वियसली पॉइंटर हम भी रखना है। तो इस तरह से हमने इसको ऐड कर दिया। अभी जो नेक्स्ट है वो है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस डिजाइन के लिए। तो मैं यहाँ पे एक मीडिया स्क्रीन ऐड करता हूँ जो कि हमारा होगा फोन से भरा, मतलब कि अगर टैब है, टैब या फिर जो डेस्कटॉप व्यू है। तो मैंने यहाँ पे रखा है मीडिया स्क्रीन एंड, और जो यहाँ पे मिनिमम विड्थ है, मिनिमम विड्थ को रखा है मैंने यहाँ पे 768 पिक्सल, जो कि हमारा आई टैब होगा, आईपैड होगा और जो डेस्कटॉप होंगे और बड़ी बड़ी स्क्रीनें होंगी उसमें। तो जो मेन है, मेन क्लास, उसके फ्लेक्स को मैंने यहाँ पे छोटा करना है हमें। तो फ्लेक्स को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 0.6 कर सकते हैं 75 की जगह पे, इस तरह से। ये थोड़ा सा बढ़िया रेस्पॉन्सिव डिजाइन होगा। तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अभी अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा क्वेश्चंस के लिए। तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस जब भी ऐड करेंगे तो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चंस पे। तो दो चीज़ें हैं, एक क्वेश्चंस है और एक हमारा क्वेश्चन है। तो मैं उसको उस पर स्टाइलिंग करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस ऐड कर लेते हैं, देन उस पर ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन। या फिर हम यहाँ पे बेसिकली हमें क्वेश्चन जैसे व्यू कराना है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसे क्वेश्चंस को व्यू कराना है। क्वेश्चंस है और वो क्वेश्चंस जो है वो कॉलम में ही है, एक के बाद दूसरा क्वेश्चंस ऐसे है। तो मैं उसी तरह से इसको ऐड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया क्वेश्चंस के लिए। अभी क्वेश्चंस में हमने यहाँ पे दे दिया डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स, ओके डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स, ओके। और जो फ्लेक्स रिडक्शन है वो हो गया कॉलम, ओके। विड्थ है वो हो गया 100% विड्थ हो गया।
ओके नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन है। ओके तो ये हमारा हो गया क्वेश्चंस इस तरह से। ओके क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। डिस्प्ले भी रहता है उसको फ्लेक्स फ्लेक्स रिडक्शन रखता हूँ, सेम इस तरह से कॉलम में ही रखना है हमें। एंड पैडिंग हमने यहाँ पे ऐड किया है टॉप से 15 पिक्सल का और लेफ्ट से 0 पिक्सल। बॉर्डर बॉटम जो है बॉर्डर बॉटम ने दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड और वो रखा है हमने ईईई जो कि लाइट ग्रे होगा। और जो इसकी विड्थ है वो हमने पूरी विड्थ दी है 100% की। अभी हमने इसको सेव कर दिया, ये हमारा डन हो गया है अभी, जो कि हमारा क्वेश्चंस के लिए था। अभी क्वेश्चंस वाले कंपोनेंट पे चलते हैं। तो हमारा ये है ऑल क्वेश्चंस का कंपोनेंट। ऑल क्वेश्चंस कंपोनेंट में क्या चीज़ें दिख रही है, यहाँ पे हमारे को वोट्स दिख रहे हैं, व्यूज दिख रहे हैं, नंबर ऑफ आंसर्स दिख रहे हैं, क्वेश्चन का नेम दिख रहा है, क्वेश्चन की बॉडी दिख रही है, टैग्स दिख रहे हैं, और जो लास्ट जो की है वो है हमारा सिग्नल जो कि सिंगल क्लिक इन्फो जो कि हमारा एवेटार है और हमारा यहाँ पे यूजर का इन्फॉर्मेशन है। तो ये चीज़ें हमारी हमें क्वेश्चंस में हमें यहाँ पे क्या करना है, शो कराना है अभी। तो अभी हम क्या करते हैं, वही चीज़ें को हमने यहाँ पे इसमें शो करना है। तो ये सबसे आसान है, इसको भी शो कर ही लेते हैं। तो हमारा ये जो मेन पोर्शन है यानी जो मेन व्यू है ये हमारा एक बार कंप्लीट हो जाएगा ये मेन व्यू। देन वी मतलब हम यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं। दो पार्ट है, एक पार्ट है क्वेश्चन को ऐड करने का और एक पार्ट है हमारा क्वेश्चंस एक सिंगल किसी क्वेश्चंस को व्यू करने का। तो ये क्वेश्चन का पार्ट है, तो ये दो दो पार्ट हमें यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे जो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर ऑब्वियसली नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। एक तो ये व्यू हो गया और दूसरा व्यू है हमारा ये वाला एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का व्यू। तो ये देखो ये क्वेश्चन का व्यू हम ऑलरेडी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली वहां से ही। तो ये ज़्यादा इसमें आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इसमें हमें टाइम लगेगा इसको फिक्स करने में, क्योंकि ऑलरेडी हमने हमारी ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बन रखी होगी तब तक के लिए। तो अभी हमारे पास जो चीज़ें हैं वो है हमारा ये क्वेश्चन का ऑल क्वेश्चन का व्यू बनाना। तो ऑल क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अभी यहाँ पे। तो ये हमारा स्क्रीन को छोड़ करता हूँ मैं अभी। ऑल क्वेश्चन है, ऑल क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले हमने क्लास नेम देने हैं, हमने यहाँ पे क्लास नेम दे दिया। ओके ऑल क्वेश्चंस क्लास नेम इसका रखा है ऑल क्वेश्चंस इस तरह से, इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, इसी को हमने यूज करना है तो मैं इसको कॉपी कर लिया। ओके अभी हमारे पास ये है ऑल क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस का कंटेनर होगा तो इस तरह से इसमें एक कंटेनर रख लिया ऑल क्वेश्चन कंटेनर। ओके अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा ऑल क्वेश्चन कंटेनर में दो चीज़ें, एक क्वेश्चन का लेफ्ट सेक्शन, ये हमारा क्वेश्चन का लेफ्ट सेक्शन, यह क्वेश्चन का मिडिल सेक्शन और या फिर क्वेश्चन का राइट सेक्शन, इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट में। ये हमारा ऑल क्वेश्चन का लेफ्ट सेक्शन, तो ये हुआ हमारा ऑल क्वेश्चंस लेफ्ट, ऑल क्वेश्चंस LEFT लेफ्ट। उसी तरह से लेफ्ट में कुछ ऑप्शंस हमारे पास जैसे कि 0, 1 ये सारे ऑप्शंस में आए जाएंगे, तो हमने यहाँ पे रख दिया है ऑल क्वेश्चन या फिर ऑल ऑप्शंस इस तरह से, और एक सिंगल ऑप्शन भी हो सकता है। तो सिंगल ऑप्शन जो है जैसे कि 0 votes 1 answers 2 views ये सारे क्या है, एक ऑप्शन है, सिंगल ऑप्शन है, ये हो गया हमारा सिंगल ऑप्शन का। अभी जो सिंगल ऑप्शन है, सिंगल ऑप्शन के अंदर मैं दो चीज़ें रखता हूँ, एक हमारा पी टैग होगा, पी टैग में बाय डिफॉल्ट मैंने अभी इसको क्या रखा है 0, बाय डिफॉल्ट मैंने इसको क्या रखा अभी 0 रखा है, और एक स्पैन में मैं यहाँ पे रख लेता हूँ वोट, ये हमारा स्पैन, स्पैन में तो सबसे पहले क्या है वोट्स के लिए, तो ये हमारा वोट्स, वोट्स इस तरह से, और ये डिव यहाँ से इस तरह से क्लोज हो गया। इस तरह से मैं इसको तीन बार पेस्ट कर लेता हूँ, ये हमारा 1, 2 ये हो गया 3, पहला था हमारा वोट्स के लिए, दूसरा था हमारा आंसर्स के लिए, तो ये हमारा आंसर्स है, और तीसरा हमारा व्यूज है इस तरह से हमारा एक जो तीसरा है वो हमारा क्या है व्यूज है। तो व्यूज को हम क्या कर सकते हैं स्मॉल टैग में हमने इसको व्यूज को रख लेता हूँ मैं स्मॉल में, छोटा है इसलिए इसको स्मॉल में हमने व्यूज को रख लिया, और इसको हमने यहाँ पे रख लेता हूँ 0 views 0 यहाँ से रख दिया हमने इसको व्यूज, यहाँ पे पी टैग की जरूरत नहीं है, ये हमने इसको इस तरह से सेव कर लिया। तो ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट था वो हमारा डन हो गया।
अभी जो लेफ्ट वाला का क्लोजिंग टैग है यहाँ पे, अभी हमने क्या करना है, राइट वाले पार्ट पे चलना है। लेफ्ट वाला हमारा पार्ट क्या हो चुका है, डन हो चुका है। अब ये क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट, तो एक और डिब है तो उसको मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी ये जो हमने डिब जो पेस्ट किया है, ये हमने रखा है क्वेश्चन आंसर के लिए, तो मैं इसका क्लास नेम ही रख देता हूँ क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर इस तरह से। अभी हमने यहाँ पे लिंक में रखना है क्वेश्चन के टाइटल को, जैसे क्योंकि यहाँ पे क्लिक करें तो हम डायरेक्टली वहां पे पहुंच जा सके, तो मैं यहाँ पे लिंक में रखता हूँ इसको, क्वेश्चन के टाइटल को। ये हमारा लिंक में है, ये हमारा क्वेश्चन का टाइटल है, तो दिस इज क्वेश्चन टाइटल, इस तरह से हमने यहाँ पे इसका नाम दे दिया, दिस इज क्वेश्चन टाइटल, ये क्वेश्चन का टाइटल हो गया है ना। और अभी इसमें क्वेश्चन की बॉडी भी इंक्लूड होगी होगी है ना, तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर लिया इसको रिएक्ट रोटरडॉम से। ओके, अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है हमारे यहाँ, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन की बॉडी, तो क्वेश्चन की बॉडी है यहाँ पे हमारे पास, तो क्वेश्चन की बॉडी को हम यहाँ पे लाएंगे, इंप्लीमेंट कर लेते हैं यहाँ पे, एक डिब रखते हैं, उस डिब में क्वेश्चन की बॉडी को हम यहाँ पे रखेंगे। तो इस लिंक के बाहर मैं एक डिब, यहाँ पे एक डिब क्रिएट कर लेता हूँ, या फिर इसी को पेस्ट कर लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ अंदर के कंटेंट को। इसके क्लास में, क्लास नेम नहीं रखता मैं, इनलाइन स्टाइल यूज कर लूंगा, या फिर लाइटर में एक बार इसको फिक्स करके देखना पड़ेगा कि कितना इसमें रखना है। बेसिकली अभी मैं इस पर क्या कर सकता हूँ, एक अगर अभी अभी जितना दिख रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे इसके विड्थ को स्पेसिफाई कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक इनलाइन स्टाइल ही यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसके विड्थ को रखता हूँ 90%, जितना भी होगा वो 90% तक ही वो कंज्यूम करेगा यहाँ पे इसके विड्थ को, इस तरह से। और ये वाला हमारा हो गया, ये डिब हो गया, इसके अंदर में उसके अंदर ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर को ऐड करेंगे, तो एक और डिब के अंदर ये होगा हमारा आंसर, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिस इज आंसर, दिस इज आंसर, ये क्वेश्चन हो गया, एक ये आंसर हो गया इस तरह से। या फिर मैं इसी क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से, ये क्वेश्चन को इस तरह से मैंने कॉपी कर लिया, दिस इज क्वेश्चन टाइटल, तो यही हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन की बॉडी है, ये वाली क्वेश्चन की बॉडी को मैं इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ, मैं इस क्वेश्चन की बॉडी को यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, दिस इज नॉट आंसर, दिस इज क्वेश्चन बॉडी, इस तरह से। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा टैग्स, टैग्स वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, टैग्स को भी हमने इम्प्लीमेंट करना है अभी हमने, तो ये हमारा हो गया। अभी अभी जो नेक्स्ट है वो है हमारा आंसर, जब भी जैसे हमने यहाँ पे इसमें डिम में हमने इसके आंसर्स को ऐड कर लिया है अभी, ठीक है। ओके, अभी जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट होगा वो है हमारा टैग्स के लिए, तो हम यहाँ पे एक और डिब रखते हैं जो कि हमारा टैग्स के लिए, और डिब क्लास नेम रखते हैं, हम क्लास में नेम रखते हैं, या फिर मैं इसको यहीं पे स्टाइल दे देता हूँ, बेसिकली हमने इसको इसमें शो कराना है, हमने इसको इस रो में शो कराना है, तो मैंने इसको डिस्प्ले को मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ्लैक्स बस। ओके, और इसमें डिब है तो ये हमारा डिब हो गया इस तरह से। ओके, अभी हमारा ये यहाँ पे टैग्स होगा, तो ये हमारा टैग्स में मैं पी 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 में रखता हूँ उसको, पी टैग्स में, या फिर मैं हाँ पी टैग्स में रख लेता हूँ, या फिर मैं इसको स्पैन में ही रखता हूँ, ऐसे स्पैन थोड़ा ज्यादा बेटर होगा इसके लिए। ओके, यहीं पे मैं इसके स्टाइल को भी देना स्टार्ट कर देता हूँ, और इसमें टैग्स में दो तीन टैग्स भी हो सकते हैं इसमें स्पैन को, तो मैं क्या करता हूँ एक कॉपी कर लेता हूँ जनरल सा, या फिर मैं इसमें क्लास नेम दे देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि मैं यहाँ जहाँ पे इनलाइन स्टाइल करूँ या फिर इससे टैग्स में कर लूँ, तो मैं इसका क्लास नेम ही दे देता हूँ, क्लास नेम रखता हूँ मैं इसका, और टैग्स इस तरह से क्वेश्चन टैग इस तरह से रखता हूँ, क्वेश्चन क्यू यू ई एस टी आई वन क्वेश्चन टैग्स, और इस तरह से हमने क्वेश्चन को टैग्स को रख लिया हमने। अभी मैंने जैसे रिएक्ट हो गया क्वेश्चन का एक पहला टैग, कॉपी करता हूँ इसको मैं, दूसरा यहाँ पे एंट डिजाइन था ये, तो भी मैंने कहा एंट एंट डी, उसके बाद हमारा एक और स्पैन है वो हमने इसको मैं रख दिया फ्रंट एंड, हमारा हो गया फ्रंट एंड, तो ये सारे हो गए इसके टैग्स। ओके, तो ये हो गए टैग्स। अभी रिएक्ट इनपुट, रिएक्ट टैग इनपुट कंपोनेंट को हम यूज करेंगे अभी, जब ही हम आस्क क्वेश्चन वाले पेज पे हम इसको बिल्ड कर रहे होंगे तब। अभी के लिए मैं अभी यहाँ पे ऐसे स्टैटिक हम इसका यूज कर लेते हैं,
अब जो लास्ट पार्ट जो हमारा रह रहा है वो है हमारा ऑथर को ऐड करने का, जो जिसने इस क्वेश्चन को पूछा है, मतलब उस ऑथर को यहाँ पे हमने ऐड करना है यहाँ पे। तो अभी हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास ये हो गया, ये चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी ये चीज़ें हमने हमारे पास कंप्लीट कंप्लीट हो गई है। अभी जो नेक्स्ट डिव होगा वो होगा हमारा ऑथर के लिए। तो एक और डिव बनाते हैं हम यहाँ पे, क्लास नेम रखा हमने यहाँ पे ऑथर रखा है। डिव को क्लोज करते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये जो क्लास नेम है हमारा ऑथर है, तो सबसे पहले तो हमारे की डेट क्रिएटेड, मतलब की डेट जो है बेसिकली जो टाइम स्टैम्प है वो उसको दिखाने के लिए। तो ये अगर देखें तो हम यहाँ पे टाइम स्टैम्प हमें दिख रही है क्या, यहाँ पे नहीं दिख रही टाइम स्टैम्प एक्चुअली कहीं भी अभी। ओके, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है एवटार, और यहाँ पे दिख रहा है हमें यूजर की डिटेल्स, और कब क्वेश्चन को ऐड किया है। आई थिंक ये हमें यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वाला, तो ये है हमारा टाइम स्टैम्प यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे ये टाइम स्टैम्प आ रहा है, राइट। तो इसमें इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। तो हमारा ऑथर है यहाँ पे, हमें यहाँ पे एक स्मॉल रखते हैं यहाँ पे स्मॉल टैग, ये हमारा स्मॉल हो गया। यहाँ पे ये रहा हमारा टाइम स्टैम्प, तो हमें यहाँ पे टाइम टाइम स्टैम्प रखते हैं यहाँ पे इसको अभी के लिए। ओके, एंड देन हमारे पास है ऑथ डिटेल्स। सो ऑथ डिटेल्स के अंदर, इसी डिव के अंदर मैं एक और स्पैन की जगह मैं यहाँ पे एक और डिव रख लेता हूँ। तो स्पैन की जगह मैंने मेरे को डिव रखना है, तो ये हो गया हमारा डिव, ये हो गया हमारा डिव। ओके, अभी ऑथर के डिटेल्स होंगे, तो ऑथर का डिटेल्स होगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ ऑथर डिटेल्स इस तरह से, ये हो गया हमारा ऑथर का डिटेल्स, है ना। ऑथर के डिटेल्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमारे पास एक एवटार है। ओके, तो ये हमारा ऑथर का डिटेल्स हो गया, और यहाँ पे ये इसके अंदर हमारे पास एक हो गया एवटार इस तरह से मैंने एक एवटार को रखा है। और एवटार के बाद हमारे पास यूजर का नेम है, मतलब कि यूजर का नाम है, तो ये हमारा हो गया यूजर नेम, तो उसको हमने पी टैग में रखा है। और यहाँ पे हो गया यूजर नेम इस तरह से यूजर नेम। ओके, सो ये हमारा कंप्लीट हो गया, और इसके आई थिंक इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इसको सेव करते हैं स्टाइल। अब इसका डिजाइन करना है, तो हमें इसका डिजाइन हम किस में करेंगे, ऐप डॉट ऑल क्वेश्चन डॉट सी एस एस में करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको इम्पोर्ट तो करना पड़ेगा, तो हमने इसको इम्पोर्ट करते हैं अपने यहाँ पे सी एस एस को। सो ये हमारा सी एस एस, ये हमारा ऑल क्वेश्चंस डॉट सी एस एस, इसको सेव करते हैं। अब ऑल क्वेश्चन डॉट सी एस एस में हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इसको ऑल क्वेश्चन डॉट सी एस एस में चलते हैं हमारे पास। अभी जो ऑल क्वेश्चन डॉट सी एस एस है ना, वो हमने एग्जैक्ट हमें ऐसा ही दिखाना पड़ेगा। तो अभी हम वापस से अपने वाले कोड पे चलते हैं, मतलब कि अपने वाले टैब पे, जो कि हमारा टैब है रिएक्ट, इसका अभी जो चल रहा है हमारा प्रोजेक्ट इस पे, तो उसके टैब पे चलते हैं अभी। तो हमारा ऑल क्वेश्चन सी एस एस है, ऑल क्वेश्चन के सी एस एस को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं एक एक लाइन को सही से। ओके, कैन नॉट रिजॉल्व सी एस एस, ओके ऑल क्वेश्चंस डॉट सी एस एस, हमें यहाँ पे फाइल बनानी पड़ेगी। ओके, आई मतलब फाइल तो बन रखी है। ओके, ये ऑल क्वेश्चन है, मैंने ऑल क्वेश्चंस लिख दिए हैं, इसको सेव करते हैं अभी वापस। ओके, तो ठीक है, अभी हमने यहाँ पे रखा है इसको ऑल क्वेश्चन डॉट सी एस एस। अभी जो नेक्स्ट है, अभी हमने इसमें स्टाइल ऐड करना है, ताकि ये थोड़ा सा बेहतर दिखे, अभी डिजाइन थोड़ा सा बेहतर दिखाना हमें इसको। ओके, तो अभी हम इसको इसके सारे स्टाइल्स को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमारा हो गया ऑल क्वेश्चंस हो गया। ऑल क्वेश्चन में सबसे पहले डिस्प्ले को हमने यहाँ पर दिया है फ्लेक्स, डिस्प्ले को दिया हमने फ्लेक्स, विड्थ अपन यूज कर रहे होंगे 100% विड्थ यूज कर रहे होंगे। पैडिंग देते हैं हम यहाँ से टॉप से 20 पिक्सल की पैडिंग,
20 पिक्सल की पैडिंग और लेफ्ट से 0 पिक्सल की पैडिंग। बॉर्डर जो बॉटम है, बॉर्डर बॉटम हमने दिया है 1 पिक्सल सॉलिड, और ये है गया लाइट 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे। विड्थ ऑलरेडी हमने यहाँ पे दे ही दिया है, अब इसको हमने सेव करते हैं यहाँ पे। तो टॉप से 20 पिक्सल की पैडिंग, लेफ्ट से नहीं होगी पैडिंग। ओके, अब जो जितने भी क्वेश्चन कंटेनर है वो हम रखते हैं ऑल क्वेश्चन कंटेनर क्लास में। जो डिस्प्ले होगा वो फ्लेक्स, व्हाट इज ब्लॉक, हमने यहाँ पे क्या करना है, फ्लेक्स रखना है, फ्लेक्स डिटेक्शन को कॉलम रखना है, और फ्लेक्स डिटेक्शन को कॉलम रखते हैं। एंड अगर कॉलम रखेंगे तो इश्यू आ जाएगा। फ्लेक्स डिटेक्शन को कॉलम रखेंगे, हमें क्या रखना है, रो में रखना है, एडिट खींच के एक के बाद दूसरे कंटेनर पे। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रो में रखता हूँ सारे कंटेंट्स, जस्टिफाई कंटेंट होगा स्पेस बिटवीन, ताकि वो एक्सट्रीम एंड पे हो दोनों के दोनों। और जो विड्थ होगा वो 100% होगा, ये भी हमारा डन। नेक्स्ट जो हमारा क्लास है वो है ऑल क्वेश्चन लेफ्ट को, तो ऑल क्वेश्चन के लेफ्ट को हमने यहाँ पे अभी डिजाइन करना है। ये हमारा हो गया ऑल क्वेश्चन लेफ्ट, राइट। ओके, ऑल क्वेश्चन लेफ्ट में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, तो ऑल क्वेश्चन लेफ्ट में ये दोनों चिपका हुआ इसलिए क्यों है ये, ओके इसको भी फिक्स करते हैं अभी। ऑल क्वेश्चंस लेफ्ट क्लास में डिस्प्ले हमने देना है फ्लेक्स, इस तरह से फ्लेक्स के डायरेक्शन को दिला है हमने कॉलम, फ्लेक्स के डायरेक्शन को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है ऑल क्वेश्चंस लेफ्ट में। लेफ्ट में हमारे पास क्या क्या है, ऑप्शंस है, तो ऑप्शंस में ही हम दे सकते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन को। आई थिंक यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी हमें, हम यहाँ पे सिंपली मार्जिन दे सकते हैं राइट से, मार्जिन राइट से दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन के साथ में पूरा चिपका हुआ है। मार्जिन हमें दे सकते हैं राइट से 30 पिक्सल का, तो वो थोड़ा सा अलग बाहर दिखेगा और थोड़ा सा ये सही दिखेगा अभी, क्योंकि अभी वो काफ़ी ज़्यादा उसमें स्क्वीज्ड दिख रहा है। अभी ये फिक्स हो चुका है, अभी हमें यहाँ पे यूज करना है ऑल ऑप्शंस। तो ऑल ऑप्शंस है हमारे पास, ऑल ऑप्शंस इस तरह से, ऑल ऑप्शंस में डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके इसके बाद फ्लेक्स डिटेक्शन का हमने रखा है यहाँ पे कॉलम, अलाइन आइटम्स को हमने रख दिया यहाँ पे सेंटर, कलर को हमने यहाँ पे रखा है RGBA 0.0.0.7, ये हमारा हो गया कलर उस तरह से। और जो फॉन्ट साइज है वो रखते हैं हम यहाँ पे स्मॉल, ज्यादा बड़ा फॉन्ट साइज नहीं है, ये भी सही है। अभी हमारे पास है ऑल ऑप्शंस हो गया, ऑल ऑप्शंस में के बाद हमारे पास क्या है, ऑल ऑप्शंस है, ऑल ऑप्शंस में एक एक ऑप्शन को अभी हमें देखना है। एक एक ऑप्शन में सबसे पहले सेम उसी तरह से डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, अलाइन आइटम्स टू द सेंटर, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, इस तरह से हमने इसको सेव कर लिया। ओके, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास ऑल ऑप्शंस के नीचे, मतलब कि उसमें पी टैग है ना, ऑल ऑप्शन पे एक पी टैग है मैंने जिसमें 0 लिखा है वो वाला, और एक स्पैन है, एक हमारा ऑल ऑप्शन के अंदर जो पी टैग है उसमें फॉन्ट साइज को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं उसको, तो मैं लार्ज कर देता हूँ ऐसे। अभी क्या है मेरे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, अभी ये थोड़ा सा सही दिखेगा, सही दिख रहा है अभी। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्लास नेम है जो कि है क्वेश्चन आंसर्स के लिए, तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए अभी क्लास नेम है, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ क्वेश्चन आंसर, इस तरह से। अभी क्या है हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स में, हमने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन को हम यहाँ पे रखेंगे एज इट इज कॉलम, और विड्थ को रखेंगे 100%। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और विड्थ को रखते हैं यहाँ पे 100%, सेम उसी तरह से। तो ये भी हमारा डन हो गया। अभी क्या है कि इसके अंदर एक एंकर टैग है या फिर लिंक है वो, है ना, तो उस पे हमें क्या करना है, कलर उसमें हमें प्रोवाइड करानी है, तो वो कलर को हमने यहाँ पे भी
लगाते हैं अभी इसको, तो अभी हम इसको कलर पे भी फिक्स कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आंसर के अंदर जो एंकर टैग है उसमें कलर हमें देना है जो हम ऊपर यूज करते हुए आ रहे हैं। हेक्स कोड हम यूज करेंगे यहाँ पे 151 151, एंड ये हो गया F0 F0D8, ये हेक्स कोड है। कलर फॉन्ट साइज 1.1 rem, और जो मार्जिन बॉटम इज 10 pixel, राइट, मार्जिन बॉटम इज 10 pixel। लेट्स सेव दिस। नेक्स्ट जो है वो हमारा है मॉडल। ओके, क्वेश्चन आंसर के अंदर हमारे पास अब जो नेक्स्ट है ये वाला, ये थोड़ा सा मुझे लगता है सही दिखना चाहिए। जैसे हम स्क्रीन बड़ी करते हैं तो साइज जो है वो स्क्रीन क्वेश्चन की वो छोटी की छोटी है, तो मैं इसको मैं थोड़ा सा अगर 1.5 पिक्सल करूं तो कितना होता है फॉन्ट साइज, क्या रहा है बिल्ड फील्ड। ओके मॉडल आंसर, ओके ओके ओके, देयर इज नॉट अ मॉडल आंसर, लेट्स से इट वंस अगेन। तो ये हमारा फॉन्ट, ओके फॉन्ट साइज, आई शुड नीड टू गिव इट अ फॉन्ट साइज नॉट फॉन्ट, ये होगा फॉन्ट साइज। अभी ये सही है, अभी ये आई थिंक ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा जो कि एग्जैक्ट वहां पे लिखा था। हाँ अभी ये ठीक है इतना साइज। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा होवर इफेक्ट, अभी डालना है इसी पे, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ होवर इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे ही एंकर पे अगर हम होवर करें तो जो कलर है वो थोड़ा सा कलर जो है वो डार्क हो जाए, तो कलर थोड़ा सा डार्क करवाना है हमें यहाँ पे इसको। ये कलर हो गया इस तरह से डार्क, कौन सा इज, अरे इसको एज इट इज रहने देते हैं, ये सेम हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो हमारा है क्वेश्चन आंसर्स के अंदर जो हमारा पी टैग है डिजाइन, ओके तो जो क्वेश्चन आंसर्स के अंदर हमारे जो पी टैग है वो पी टैग कहीं पे है नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स के अंदर हमारे पास पी टैग कहीं पे है क्या, क्वेश्चन आंसर पे क्वेश्चन आंसर है उसके अंदर हमारे पास डिव है, डिव के अंदर हमारे पास एक और डिव है, ओके और उसके अंदर डिव के अंदर हमारे पास एक और डिव है, और इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन की बॉडी है, फिर इसमें हमारे पास उसके बाद हमारे पास टैग्स हैं यहाँ पे दिखाने के लिए। ओके तो हम यहाँ पे टैग्स हैं, तो टैग्स को हम यहाँ पे पहले टारगेट करते हैं अपन, फिर क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी स्टाइल ऐड तो कर दिया है, तो हम यहाँ पे टैग्स को लिए टैग्स में हमारे पास क्वेश्चन टैग्स। ओके तो क्वेश्चन टैग्स है बेसिकली हमारे पास यहाँ पे, तो क्वेश्चन टैग्स में जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो जैसे बटन और फिल्टर पे बैकग्राउंड है, तो उस तरह का हमने बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड करना है, तो वैसा हम यहाँ पे इनलाइन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि जब ऑलरेडी हम अलग से बाहर से अगर बना ही रहे तो हम इनलाइन क्यों ही क्या ही यूज करें मतलब यहाँ पे। तो टैग्स में मैं यहाँ पे जो मार्जिन है मार्जिन ऐड करवाते हैं, मार्जिन देते हैं हम यहाँ पे 10 pixel का और लेफ्ट टॉप से, और 5 pixel का लेफ्ट से मार्जिन, और जो पैडिंग है पैडिंग भी देते हैं, पैडिंग भी सेम उसी तरह से 5 pixel टॉप से और 10 pixel लेफ्ट से। मार्जिन पैडिंग दोनों देने के बाद हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं बढ़िया सा। बैकग्राउंड कलर में हमने यहाँ पे दिया है हमने ये वाला बैकग्राउंड कलर थोड़ा पिटक दिखेगा, ये बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने यहाँ पे इसका, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को दे देता हूँ मैं 3 pixel का, थोड़ा सा स्मूथ बॉर्डर यहाँ पे, अच्छा सा बॉर्डर यहाँ पे दिख जाए। ओके तो ये हमारा डन हो गया है। अभी अगर मैं इसके कलर को और थोड़ा सा क्या करूँ फेड कर दूँ, क्योंकि थोड़ा डार्क काफ़ी डार्क है ये, हमने यहाँ पे इसके कलर को फेड कर दिया है, तो ये टैग्स हमारा अभी ये परफेक्ट टैग्स हमें यहाँ पे अभी ये दिख रहा है। तो पैडिंग हमने यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी थी 10.5 की मार्जिन दे रखा था, 10.5 का पैडिंग दे रखा था 5.10 का, तो ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी डन कर दिया है।
ओके जो लास्ट चीज है वो हमारा बचा है ऑथर सेक्शन। तो ऑथर वाला सेक्शंस को हमें स्टाइल करना पड़ेगा एंड बाकी देन उसके बाद ये पूरा का पूरा हमारा ये चीज हमारा ये कंप्लीट कंप्लीट एंड टू एंड हमारा ये हो जाएगा। तो अभी हमने ऑथर के कंटेंट को हमने ऑथर के सीएसएस को हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारे जो लैंडिंग पेज है स्टैक ओवरफ्लो क्लोन का, ये लैंडिंग पेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, मूव करेंगे अगले पार्ट जो कि हमारा होगा क्वेश्चन के ऐड करने वाला और उसके बाद हमारा एक कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का पेज। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे क्या करनी है, ऐड करनी है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का पेज और एक हमारा क्वेश्चन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का पेज करना है ऐड और एक हमारा आंसर्स को ऐड करना है। मतलब ऐसे आंसर्स मतलब क्वेश्चंस को ऐड करने वाला पेज और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का व्यू करने का पेज। तो ये दो चीज़ें हमने अभी बच रहे हैं जो कि हमने नेक्स्ट पार्ट में कवर करना है। फिलहाल के लिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अभी हमने ऑल क्वेश्चंस में हमने ऐड करना है जो कि डिटेल्स जो ऐड करना है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ऑथर का है सेक्शन, तो ऑथर के सेक्शन और ऑथर के डिटेल्स को हमने ऐड करते हैं यहाँ पे जब तक। तो लेट्स गो अभी। ओके तो हमारे क्वेश्चन टैग्स हो गए, क्वेश्चन टैग्स के बाद है हमारे पास ऑथर, ऑथर का सेक्शन, ऑथर के सेक्शन में डिस्प्ले सेम उसी तरह से डिस्प्ले फ्लैक्स फ्लैक्स रिडक्शन को कॉलम और जो मार्जिन लेफ्ट है वो देते हैं ऑटो, ताकि ये जो है चीजें हैं वो पूरी एक्सट्रीम राइट में चली जाए ऑटोमेटिक। हमने मार्जिन लेफ्ट को क्या दिया है ऑटो, ताकि ये की चीजें होगी वो कहाँ चली जाएगी राइट पे। ओके अभी जो ऑथर के अंदर जो स्मॉल टैग है मतलब कि जो टाइम स्टैम्प है उसके लिए हमने यहाँ पे रखा है ऑथर, और ऑथर के अंदर जो है स्मॉल जो कि हमारा टाइम स्टैम्प है उसका कलर जो चेंज करते हैं, कलर को रखते हैं RGBA इसके कलर को, और बॉटम से मार्जिन देते हैं 5 पिक्सल का, थोड़ा सा ऐसे 5 पिक्सल का हमने यहाँ पे क्या कर दिया है मार्जिन दिया है बॉटम पे ऑथर के यानी टाइम स्टैम्प पे केवल। अभी हमारा नेक्स्ट है एवटार, और एवटार के बाद है हमारा ऑथ डिटेल्स। तो ये हमारा हो गया ऑथ डिटेल्स, तो ये हो गया हमारा ऑथ डिटेल्स क्लास। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, यहाँ ऑथर डिटेल्स क्लास है, तो ऑथर डिटेल्स क्लास में हमारे पास डिस्प्ले है फ्लेक्स, डिस्प्ले हमने डाला यहाँ पर फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर, और उसके अंदर जो पी टैग है ना उस पी टैग पे थोड़ा सा हमने स्टाइल करने दें बस, और ये हमारा डिजाइन डन हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ये हो गया ऑथर डिटेल्स के अंदर हमारा पी टैग, और पी टैग में हमने सबसे पहले देना है मार्जिन लेफ्ट, तो ताकि ये काफ़ी एवटार से चिपका हुआ है तो इसको मैं मार्जिन लेफ्ट देता हूँ 5 पिक्सल का, फॉन्ट साइज देता हूँ मैंने यहाँ पे स्मॉल, और हमने यहाँ पे कलर को देना है, कलर को दे दिया हमने यहाँ पे 01051F0F0D8। ये कलर 10 0151 ओके F0D88। तो ये हो गया हमारा ऑथर का डिटेल्स। सो ये हमारा हो गया डन ये वाला पार्ट। अब हम अपने कोड पे चलते हैं, ये हमारा है ऑल क्वेश्चन वाला पार्ट। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अभी ये चीज सेम टू सेम ऐसा ही डिटो हमें अगर 3 या 4 बार हमने इसको कॉपी कर लिया ना सेम टू सेम इसके अंदर main.js के अंदर यही चीज़ हमारी यहाँ पे रिपीट होगी। तो ये मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, मैं पेस्ट किया 1 2 3 4 5 बार हमने इसी सेम चीज़ को पेस्ट कर दिया है। अभी हमारी ये चीज़ें हमारी 5 बार रिपीट हो जाएगी है ना, और ये जो हमारा स्केलेटन बिल्ड करने का फेज था मतलब जो कि लैंडिंग पेज का, वो हमारा यहाँ पे अभी डन हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट में, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसका वहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे,
व्यू, ये जो आस्क क्वेश्चन वाला पार्ट है उसके व्यू को कंप्लीट करेंगे, और एक किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब हम व्यू करते हैं तो उसके पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो ये दो पार्ट हमारा नेक्स्ट पार्ट में रहेगा। तो इन दोनों को हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, कंप्लीट कर रहे होंगे। देन हम क्या करेंगे, बैक एंड पे मूव कर जाएंगे सीधा, और एक बीच में एक ऑथेंटिकेशन का पार्ट होगा, तो वो भी ऑथेंटिकेशन का पार्ट को भी कवर करेंगे। तो ये पूरा मर्न स्टैक का प्रोजेक्ट है, तो आई थिंक कि अगर सीरीज में आएगा तो दो तीन एक्स्ट्रा, मुझे लगता है कि ये तीन या चार पार्ट्स में ही कवर होंगे ये पूरे के पूरे। तो आई होप टिल देन यू गाइज विल एबल टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट साइड बाई विद मी। तो अभी साथ में ही हमारे साथ में ऐसे प्रोजेक्ट को साइड बाय साइड ऐसे बिल्ड कीजिए इसको। अगर कोई भी डाउट्स होता है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो अभी आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तब तक के लिए और हमें आपके कमेंट्स का जरूर इंतजार रहेगा। अगर कोई भी इश्यूज होता है तो आप डायरेक्टली हमें इंस्टाग्राम पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस एंड ऑसम डे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।